सभी ऑफिशियल्स, ICR के ऑफिशियल्स, KVK के PC और SMSs, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICR इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी ऑफिशियल्स और किसानों को मेरा नमस्कार। असम वालों के लिए मेरा नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वालों को मेरा वेरी गुड आफ्टरनून। आइए ICAR IAHR नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 आपको वर्चुअल दिखाते हैं। हम शुरू करते हैं इसको। ICAR का छोटी एक वीडियो बनाई है आप सभी को दिखाने के लिए। मैं अनुरोध करता हूं हमारी टीम से ये वीडियो प्ले करें प्लीज़। ICAR IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण हितैषी, टिकाऊ तथा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान बागवानी फसलों की सतत उत्पादकता, गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत रणनीतिक व अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान में शोध कार्यों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रक्षेत्र तथा संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस उपलब्ध हैं। बागवानी से संबंधित जनन द्रव्य का सक्रिय भंडार है, जिसमें 10,000 से अधिक जीनोटाइप संरक्षित हैं। संस्थान में पादप निदान, मृदा विज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा संप्रेषण से संबंधित प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें फसलों के विश्लेषण के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। अपने 5 दशक के अनुसंधान द्वारा संस्थान ने 136 प्रौद्योगिकियों तथा 301 से अधिक उच्च उपज तथा प्रतिरोधी किस्मों व संकरों का विकास किया है। ICAR IIHR द्वारा विकसित किस्मों व प्रौद्योगिकियों का व्यापारिक नाम अर्का है। संस्थान द्वारा फलों, सब्जियों, शोभाकारी व औषधीय फसलों में विकसित किस्मों व संकरों में प्रमुख अमरूद की किस्म अर्का किरण, भारत में टमाटर की 3 रोगों की प्रतिरोधी प्रथम संकर अर्का रक्षक, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म अर्का विशेष, मिर्च की संकर अर्का मेघना, अनुवांशिक नरबंध गेंदा अर्का बंगारा, रजनीगंधा अर्का प्रज्वल, गुलाब की किस्में अर्का परिमला तथा अर्का सिंचना और किवांच की किस्म अर्का शुभ्रा है। IIHR ने एवोकैडो, ड्रैगन फ्रूट तथा रंबूटान की नवीन किस्मों की खेती, 12 सब्जी फसलों की जैविक खेती तथा संरक्षित खेती की उत्तम विधियों का मानकीकरण किया है। IIHR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों में प्रमुख अर्का सूक्ष्मणीय मिश्रण एक द्रव्य आधारित उत्पाद है, जो उपज बढ़ाने में सहायक है। फल मक्खी जाल, जो फल मक्खी के प्रकोप को कम करने में सहायक है। जैव पीड़कनाशी, मूल संवर्धन कटाई के बाद प्रौद्योगिकियां, निर्जलीकृत शुष्क फल व सब्जियां, परिरक्षक मुक्त व पीने के लिए तैयार कटहल का रस, कटहल चॉकलेट रैप, कटहल कुकीज, प्रोबायोटिक फल रस, सौर ऊर्जा चलित सब्जी वेंडिंग वाहन, मशरूम स्पॉन उत्पादन उपकरण तथा पीड़क नाशकों के अवशेष को हटाने के लिए हर्बल उत्पाद अर्का हर्बी वॉश है। संस्थान ने 2 कृषकों श्री परमेश व श्री शंकरा को कटहल की अनुवांशिक विविधता के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान कर जैव विविधता को आजीविका सुधार के साथ जोड़ा है। इसके द्वारा उनकी आय में 10 गुना वृद्धि हुई है। संस्थान के प्रौद्योगिकियों का इंक्यूबेशन बेस्ट हॉल्ट तथा बिक्री कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से किया जाता है। संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ समझौता भी है।
विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीके की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक प्रदर्शन किए गए हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों तथा किस्मों के हस्तांतरण हेतु सन 2017 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। एक बीज पोर्टल ऐप SBI योनो से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से किसान अपने घर पर ही बीज प्राप्त कर सकते हैं, और एक अन्य ऐप आर्का भगवानी को विकसित किया गया है। संस्थान की प्रौद्योगिकियों को 400 लाइसेंस धारियों द्वारा गैर अनन्य आधार पर खरीदा गया है तथा संस्थान द्वारा विकसित 12 प्रौद्योगिकियां देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है। आज कई आविष्कारों व पहचान के साथ भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु बागवानी फसलों के अनुसंधान कार्यों में एक प्रधान संस्थान बनकर उभरा है। धन्यवाद। अभी ड्रोन वीडियो चलाइए प्लीज। मेरे कृषक भाइयों और बहनें, हमको बहुत आशा थी हम आप सभी को यहाँ पर ले आने की, लेकिन इस कोरोना महामारी के वजह से हम आपको नहीं ला पाए, लेकिन हमने इतनी कोशिश की है, जो यहाँ पर चल रहा है आपको आंखों के सामने हम दिखाना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ अभी देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फल फूल, अभी आप ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं, इसकी खेती ये हैं, आम अमरूद वगैरह फलों की खेती की हैं, अलग अलग फूलों की खेती भी की दिखा रही हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अलग अलग सब्जियों की किस्में, संकर किस्में भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, तुराई हो गई, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, इन सब का आपको अभी हम डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। ICAR IIHR बेंगलुरु की स्थापना सन 1967 में बागवानी फसलों में पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली तकनीकों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित एक क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान में 54 बागवानी फसलों पर 154 वैज्ञानिक काम करते हैं। संस्थान की कई प्रौद्योगिकियां आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देती हैं। इसमें बीज उत्पादन, नर्सरी, अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम, फॉलियर सूक्ष्म पोषक तत्व, फेरोमेन ट्रैप, जैव कीटनाशी, सब्जी व फलों के मूल्यवर्धित व ऑस्मोटिक रूप से निर्जलित उत्पाद व मशीनरी प्रमुख हैं। जैव विविधता को आजीविका सुरक्षा से जोड़कर संस्थान ने 2 किसानों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया और वह अब अपनी मूल आय से 8 गुना अधिक कमा रहे हैं। सब्जियों, फलों व शोभाकारी फसलों में बीज उत्पादन व नर्सरी उद्यम दोनों की संभावनाएं व अवसर हैं। SBI योनो ऐप द्वारा संस्थान के बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ तकनीकें जैसे कि केले की एले की किस्म में ऊतक संवर्धन गुणन तकनीक का प्रयोग कर कम समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं तथा आधे कीमत में एक पौधा तैयार होता है। तरबूज व खरबूजे में खुले परागण के किस्म, मिर्च में रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज उत्पादन, सस्योत्तर उत्पाद को उद्यम के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। धन्यवाद। अभी आपने देखा आत्मनिर्भर बागवानी में किस तरह कर सकते हैं, इसमें किस तरह सफल हो सकते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं, जैसे मेरे दाएं तरफ डॉक्टर राजीव कुमार सर हैं, वो अलंकारिक फसलें में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। अभी डॉक्टर अनिल कुमार नायर सर, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट वेजिटेबल डिवीजन से हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुबह से लगातार 2 इनिंग्स किए हैं, इसलिए अभी जस्ट छोटा एक ब्रेक लेने के लिए गए हैं, वो तुरंत आपके साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। किसान भाई और बहनों, हमने पूरे 3 स्टेट की, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की, जो मुख्य जो समस्याएं हैं उसकी हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे। अटारी की ओर से हमको ये मिला था, उसमें हमने हमारे ICR से अलग अलग संस्थानों, जैसे हैं बनाना जो केले की संस्थान है जो तिरछी है,
और जो नींबू जाति के फले हैं जो नागपुर में हैं, उन सभी एक्सपर्ट से आपको हम जुड़ाना चाहते हैं, जो अभी हम देखते हैं एक बाय एक हम देखते जाते हैं। पहला जो फलों का प्रॉब्लम हमको दिखाया गया, ये पपीते की कौन सी किस्में हैं, ये क्या है करके अभी हमको हम दिखाते हैं। वीडियो प्लीज़। भाई बहनों देखिए, मुख्य रूप से ये पपीते में हमारे संस्थान ने दो प्रजाति विकसित की हैं, एक हो गया अर्का प्रभात, दूसरा हो गया अर्का सूर्या। इसमें मैं दो मुख्य चीज़ें बताता हूँ, ये गाइनोडाइशियस वेराइटीज है, जैसे कि पूरे पेड़ में हर पेड़ में इसको फल बनेंगे, जैसे अन्य आप देखते हैं हर पेड़ में नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये किसान इससे खुद अपना बीज बना सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई कर सकते हैं तो अपना खुद बीज आप बना सकते हैं। इसमें सिर्फ 25 ग्राम एक एकड़ पर बीज लगता है, एक ग्राम की मात्रा सिर्फ 100 रुपया है, और इसकी फल बहुत अच्छी होती है, लाल रंग की है, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत आसान होता है आपको। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे पास केले की किस्म में थोड़ी कौन सी प्रजातियां हैं, इसकी भी मांग आई थी, हम अभी जूम से ट्राई करते हैं, एक NRC बनाना जो तिरछी में है उनसे संपर्क करते हैं, जो डॉक्टर सरस्वती मैडम हैं। अच्छा, कुछ तंत्रिकी कारण उनसे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैडम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, हम सेशन होने तक कोशिश करेंगे कि हम जुड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केले उगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, केले की पौधे बनाने में। अभी हम देखते हैं हमारे संस्थान से केले में कौन सी तकनीक बनाई है, और PPT प्ले करें प्लीज़। देखिए, ये बड़े पैमाने पर केले के उत्पादन के लिए अर्का एलकी बाले सस्पेंशन कल्चर तकनीकें, मतलब ये तकनीक ये हैं, एक नर फूल से आप 1,00,000 पौधे बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। और आम रूप से एक पेड़ बनाने के लिए आपको 24 से 25 रुपये खर्च आते हैं, लेकिन इस तकनीक से आपको सिर्फ 12 रुपये से आप एक पेड़ बना सकते हैं। तो ये तंत्रज्ञान हमने दो कंपनियों को दिए हैं, आप भी ये तंत्रज्ञान हमसे संपर्क करके आप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगले देखिए, अभी हम फलों के ये हो गए, अभी हम नागपुर से लेमन और दूसरे उसके रोग के लिए हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे जुड़ने के लिए, वो आने तक हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। अभी आएंगे हम सब्जी विभाग में, सब्जी विभाग में मुख्य रूप से हमारी टमाटर है, आप सबको पता है कितना सीड हमारा जो मेजर सीड हो वो नॉर्थ ईस्ट पे जाता है, जैसे हो गया अभी हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर अनिल नायर सर, जैसे मैंने बताया था वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सर, नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सी किस्में हैं थोड़ी बताइए सर। जैसे कि हमारे डॉक्टर अतिकुल्ला ने बताया कि संस्थान में बहुत सारी किस्में हैं, उसमें से कुछ जो किस्में हैं वो तीन रोगों के प्रति आप देख सकते हैं उसमें लड़ने की क्षमता है, जैसे लीफ कर्ल वायरस है, बैक्टीरिया विल्ट, और इसके अलावा जो है अर्ली ब्लाइट, ये तीन मुख्य बीमारियां हैं, इसको हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान इसको अपना सकते हैं और अधिक से अधिक उपज कमा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या देखी गई है वो है बैक्टीरियल विल्ट की। तो अर्का रक्षक नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अर्का सम्राट जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप का है, जैसे कि लोकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्का रक्षक जो है ताज़ा फल के लिए और उसको दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए उपयुक्त पाया गया है। धन्यवाद अनिल सर। अनिल सर, जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे में सब्जियों खरीदता हूँ, ये मान के चलता हूँ वहाँ की सब्जियाँ जो होती है पूर्ण रूप से जैविक होती है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये जैविक में थोड़ा रोग का संभालना थोड़ा मुश्किल है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, कैसे निर्वाण करते हैं इसको। देखिए, जैविक कृषि के लिए बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसमें मुख्य है जैसे गोबर की खाद बहुत की आवश्यकता होती है, सामान्य रूप से हम कहते हैं कि 10 टन प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, मगर जब हम जैविक खेती के लिए जाते हैं तो वही 3 गुना हो जाती है, 30 टन प्रति एकड़ की दर से डालना है। उसके बाद जितने भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि
बेनिफिशियल होते हैं, आप जिसको बायो एजेंट्स बोलें, चाहे बायो फर्टिलाइज़र बोलें या बायो पेस्टिसाइड्स में जो इस्तेमाल होते हैं, उन सब का हमें सही समय पे उपयोग करना चाहिए। सामान्य गोबर की खाद के बजाय हमें उसका संवर्धन करना चाहिए, उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स या बायो एजेंट्स के साथ उसको आप संवर्धित करें। एक महीने तक आप सबको मिला के उसको रखें, उस खाद को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके खेत में जो उर्वरता है वो बनी रहेगी, साथ ही साथ जो लाभदायक जीवाणु है जो किसी कारणवश रासायनिक खेती के कारण कम हो गए थे उसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। आप बीज को सीड प्रो से भी आप उसको उपचारित कर सकते हैं 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से। और जो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक इसको सामुदायिक स्तर पर यानी कि पूरा गांव अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो इस जो बीमारियां हैं और जो कीट आते हैं इन सब का नियंत्रण थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपके बगल वाले खेत में कोई रासायनिक खेती कर रहा है और उसने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है तो ये सारी समस्याएं आपके खेत में आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम इसको एक फुल विलेज में पूरे गांव में अपनाएं तो आसानी से इसको किया जा सकता है। खेत के चारों तरफ आपको मक्का लगाना या ज्वार लगानी है जिससे कि कीटों का प्रवेश जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा उस, और जब कीटों का प्रवेश कम होगा तो ये वायरस की जो समस्या सब कम होगी। हमेशा हम बोलते हैं कि पहले से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समस्या आने के बाद जैविक खेती में उसका निवारण थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको पहले दिन से सचेत रहना है कि मेरे खेत में कोई बीमारी ना आए। आपका खेत पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई उसमें वीड्स नहीं होने चाहिए, बगल वाले खेत को भी आपको साफ़ सुथरा रखने के लिए आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे आप देख रहे हैं कि टूटा वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आप आजकल मार्केट में देखते हो तो टमाटर पर ऐसा लगता है कि कोई आके इसको पिन में चुबा दिया हो। आप खेत में भी आपको लगता है कोई रातों रात आके आपके खेत में थोड़ा पिन से चुबा दिया हो। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ये टोमेटो का टूटा किरण है, ये विदेशी कीट है, हमारे देश में आ गया है। इसके साथ हमारे पास इसका सोल्यूशन भी है। अनिल सर थोड़ा इसका सोल्यूशन बता दीजिए सर। हाँ, जैसे आप लक्षण देख रहे हैं जिसके फलों में बहुत छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, पत्तियाँ बिल्कुल सूख सी जाती हैं, उस एक वजह से जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इसको आजकल ये समस्या ज़्यादा उभर के आई है, इसके लिए जो हम लोगों ने एक बनाया है ट्रैप बनाया है जिसको लाइट ट्रैप, लाइट कम सक्शन ट्रैप बोलते हैं, प्रकाश के उसमें लाइट में इन कीटों को अपनी तरफ खींचा जाता है और बाद में उसको सक्शन के द्वारा इसको वहाँ पे एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें कोशिश यही रहती है कि जितने इसके वयस्क हैं उसको एकत्रित किया जाए और उसको नष्ट किया जाए जिससे कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि ना हो। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे तरीके हैं वो अपनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक कृषक के खेत का एक फ़ोटो है हमारे संस्थान का भी, टमाटर की स्वस्थ फसल देख रहे हैं जिसमें इन्होंने ये ट्रैप को अपनाया और बहुत अच्छा एक स्वस्थ टमाटर की फसल उन्होंने उगा के दिखाई है। धन्यवाद सर। हमारा संस्थान तकनीक सिर्फ देता ही नहीं है, वो किसान के खेत में दिखाता है, जो देखते हैं हम उसको मानते भी हैं, उसको मानेंगे तभी तब वो सफलता किसान के खेत में होगी। आइए देखते हैं ये टूटा नमक कीट का निर्वाहन कैसे किया गया है, ये किसान अपनाए हैं, इसकी वीडियो प्ले करें प्लीज। मेरा नाम चलुवराज है, मैं सीता केम्पनहल्ली बैंगलोर से हूँ। मैं 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से मुझे टूटा नामक कीट से बड़ी परेशानी हो रही है। मेरी उपज 30-40% टूटा की वजह से घट रही है। IIHR के वैज्ञानिकों ने मुझे लाइट ट्रैप दिया जिसमें सारे टूटा आके वहाँ बैठते हैं और नीचे से सक्शन फैन जो है उनको नीचे खींच लेता है। टूटा 100% खत्म हो जाते हैं। अभी मेरी फसल बहुत अच्छी है और मुझे 100% उपज मिल रही है। जो 30-40% का घाटा हो रहा था वो अभी इस लाइट ट्रैप की वजह से नहीं हो रहा है। जो रासायनिक छिड़काव मैं पहले इस्तेमाल करता था उसको मैं बड़ी मात्रा में कम कर दिया हूँ। देखा आपने किसान का खुद बोलती हुए, हमको किसान इस तरह बोलने से हमारी सेटिस्फेक्शन और संतृप्ति यही है। अभी कई सालों पहले कोई कंपनियों ने आके हमसे पूछा, आपके संस्थान से हमको ऐसे टमाटर दे जो डायरेक्ट उसको पेस्ट केचप वगैरह बना दे, इस तरह की कोई तकनीक है क्या सर? इस तरह की कोई तकनीक है सर? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अतीक जी।
अभी हाल ही के दिनों में हम लोग ने दो किस्में हैं टमाटर में, अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा। विशेष नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसे विशेष कारणों के लिए इसे तैयार किया है। वो विशेष कारण है प्रोसेसिंग, और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो एक हेक्टेयर में 75 से 80 टन है। अर्का अपेक्षा थोड़ी सी उसकी उपज ज़्यादा है, 80 से 90 टन है। इस दोनों किस्मों को अपनाकर आप टमाटर में प्योरी पेस्ट, केचप, सॉस या टमाटो क्रश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका TSS होता है वो 4 से 4.7 ब्रिक्स होता है। तो इन विशेष कारण के लिए ही ये अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा दोनों वेराइटियों किस्मों का विमोचन किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे किसान इस तरह क्यों छिड़क रहे हैं। किसान इस तरह छिड़कने से आपको वो दंडी रहती है, उसके बिना दंडी के टमाटर गिर जाते हैं और ये संस्करण करने में बहुत आसान होती है। और टमाटर मान लो अगर बहुत उत्पाद हो गया तो क्या करना है अनिल सर? हाँ, अभी देखिए हमारी एक संस्थान की एक तकनीक है जिसको बोलते हैं टमाटर क्रश टेक्नोलॉजी। आप अभी देखेंगे इसको, आप चटनी की तरह इसको बना के आप इसका संरक्षित कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है इसमें गुणों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और इसको अभी तक 13 लाइसेंसधारियों ने इसको स्वीकार कर लिया है, इसको खरीद लिया है। इस प्रौद्योगिकी की लागत लगभग 40,000 रुपये है। 100 किलोग्राम अगर आप कच्चे टमाटर को लेंगे तो उससे 30 किलो जो है हमारा उत्पाद तैयार होगा, जिसे कि हम टमाटो क्रश के नाम से जानते हैं। इसको सीधे आप होटल, रेस्तरा और जो विभिन्न कैटरर्स होते हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। अभी एक इंडस्ट्री कंपनी वालों ने इसकी तंत्रज्ञान ली है, आइए उनसे सुनते हैं ये क्या है। अनिल सर, लाइसेंस कंपनी सनसिप एग्रो प्रोसेसिंग द्वारा अर्का टमाटर क्रश के उत्पादन के लिए ICAR IIHR से तकनीकी का लाइसेंस लिया गया है। यह घर में प्रयोग होने वाले पदार्थ के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट जहां ज्यादा मात्रा में ऐसे तुरंत प्रयोग करने वाले पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। हमारी कंपनी में फिलहाल 1 टन उत्पाद तैयार करने की क्षमता प्रतिदिन है। कोरोना के महामारी के दौरान इस तकनीक का बहुत सारे टमाटर के किसानों को फायदा पहुंचा है। टमाटर की बात तो हो गई, अभी हम आते हैं मिर्च पे। सर, क्या हमारे पास ऐसी वेराइटीज़ हैं जो रोग निरोधक है, बहुत अच्छी है? हाँ, हमारे पास मिर्च की काफ़ी किस्में हैं, जिसमें से जो कुछ मुख्य किस्में हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू और जो वायरस होता है उसकी प्रतिरोधी है। इसमें मुख्य है अर्का हरिता, जो कि हाईली पंजेंट है, मतलब काफ़ी तीखा होता है, और इसकी उपज जो है वो 35 से 38 टन, और जो सूखी मिर्च है उसको 5 से 5.5 टन के रूप में मिलती है। अर्का मेघना आप देखेंगे, ये भी एक F1 हाइब्रिड है, इसकी उपज 5 टन सूखे उपज में और 30 से 35 टन हरी मिर्च के मिलती है। अर्का श्वेता भी है, अर्का ख्याति भी है। तो आपने देखा होगा कि जो इसकी जो उपज क्षमता है सभी की करीब 30 से 35 टन के आसपास है, और जो सूखी मिर्च की उपज रहती है आप उसको 3.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी किस्में हरी मिर्च और सूखे मिर्च दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अभी देखते हैं किसान भाई जो इस वैरायटी को अपनाए हैं उनका क्या कहना है। वीडियो प्लीज। मेरा नाम संपत है, मैसूर जिले से नंजनगढ़ तालुक का हूं मैं। मिर्च में आने वाले पाउडरी मिल्ड्यू नाम की बीमारी से बहुत सालों से परेशान था। जब से मैंने मिर्च की अर्का मेघना किस्म को लगाना शुरू किया तब से मैं उच्च गुणवत्ता के रोग प्रतिरोध फसल ले रहा हूं। इससे मैं अब तक 1,20,000 रुपये कमा चुका हूं, और बची हुई फसल की तुड़ाई से लगभग 2.5 लाख रुपये कमाने की उम्मीद कर रहा हूं। धन्यवाद। अभी हम देखते हैं मिर्च में वायरस की बहुत बड़ी समस्या है, आइए देखते हैं हमारा संस्थान इस दिशा में क्या किया है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, वो जो जितनी भी किस्में थी उच्च उपज वाली थी, उसके साथ साथ उसमें प्रतिरोधक क्षमता थी। जैसे डॉक्टर अतिकुल्ला ने बताया, जो सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है वो है वायरस की समस्या। उसी को ध्यान में रख के हमारे संस्थान ने अभी हाल ही के दिनों में 5 किस्मों का विमोचन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं अर्का गगन है, अर्का यशस्वी, अर्का तेजस्वी, अर्का सानवी, अर्का तन्वी। इसमें फलों के आकार में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, अन्यथा इन 5 किस्मों में जो सबसे बड़ी खासियत है
कि वो लीफ कर्ल वायरस के अगेंस्ट में प्रतिरोधी है और उत्पादन क्षमता जो है 3 से 3.5 टन आप सूखी उपज प्राप्त कर सकते हैं और 10 टन प्रति एकड़ की दर से इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है और जल्दी ही हमारे किसान भाई इसको अपनाएंगे और उसके बारे में भविष्य में हम उनका जो जो प्रतिक्रिया होगी वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए अभी बात करते हैं लेडीज़ फिंगर के नाम पर जो कहलाता है भिंडी, नगांव, मोरीगांव, बरपेटा, जितने भी नाम लो, लोअर सुबनसिरी, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, हर जगह हमारी वैरायटी लगाई है सर। और कोई अन्य वैरायटी आपको बताइए सर। अजय, संस्थान की तरफ से 2 मुख्य वैरायटी है जिनके बारे में बताना चाहूँगा। एक है अर्का निकिता, आप देख रहे हैं तस्वीर इसकी, इसका उत्पादन क्षमता 21 से 24 टन है, बाकी की जो 17 से 20 के बीच में रहती है, थोड़ी अगेती किस्म है, फूल जल्दी लगते हैं और तुड़ाई के लिए 43 दिन में तैयार हो जाती है, काफ़ी अच्छी किस्म है वो। अर्का अनामिका हमारी काफ़ी लोकप्रिय किस्म रह चुकी है, बहुत सालों तक बहुत क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में उसे उगाया गया, पर उत्पादन क्षमता 20 टन है और दोनों की किस्म जो किस्में हैं वो थोड़ा जो वायरस है उसके प्रति थोड़ी सी सहनशील है, तो किसान अपने बाजार के हिसाब से दोनों में से किसी एक का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ अनिल सर से, ये भिंडी की कोई संस्करण तकनीक है सर हमारे? हाँ, भिंडी की अभी उस पर हमारा काम हुआ है, देख सकते हैं आप उसको, डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग के द्वारा आप इसको उत्पाद को संरक्षित रख सकते हैं और जब भी आवश्यकता होगी आप इसको अपने व्यंजन में इस्तेमाल कीजिए, घर में इस्तेमाल कीजिए और जो उद्यमी हैं इस तकनीक को अपनाकर छोटे स्तर पर ये उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे अधिक आमदनी कमा सकते हैं, इसमें क्वालिटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, ये तंत्रज्ञान आप सब खरीद सकते हैं। अभी हम आते हैं आलू पे, आलू पे हम विशेषज्ञ जो शिमला में हमारा एक संस्थान उपस्थित है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से हम डॉक्टर तनुजा मैम से बात करके उनकी विषय ये ले लेंगे नॉलेज बीज के बारे में जानकारी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आलू के उत्पादन में आलू बीज जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सो इसकी जो उपज है वो मुख्य रूप से बीज आलू की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है, तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो बीज आलू है वो किसी विश्वसनीय स्रोत से ही लें और इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में जो है उस बीज को लगाए और टाइमली उसकी जो बिजाई है वो कर ले और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखे। CPRI शिमला ने हाल ही में पिछले 2-3 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र और असम राज्य सरकार के साथ एक बहुत अच्छा जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जिसमें जो भी हमारी नई तकनीकें हैं जैसे कि एरोपोनिक्स है और एपिकल रूटेड कटिंग है, उसके थ्रू बहुत सारे जो आलू बीज की समस्या है उसका समाधान उस राज्य में हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत जो मल्टीप्लीकेशन रेट है आलू का वो बहुत ज़्यादा है और किसानों को उच्च मात्रा में जो है बीज उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद मैम। अभी हम सशस्करण के बारे में जानते हैं डॉक्टर सुशील सर से, जो वही संस्थान के हैं। डॉक्टर सुशील सर को कनेक्ट करें प्लीज। डॉक्टर सुशील फ्रॉम CPR प्लीज। प्लीज सर, काइंडली गो अहेड। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जब हम आलू की प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम ज्यादातर पाते हैं कि आलू का उपयोग चिप्स बनाने में और फ्रेंच फ्राइज बनाने में ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आलू से बनाए हैं जो कि पहले नहीं बने थे और उसका यूटिलाइजेशन हमारे खाने की चीजों में किया जा सकता है, जैसे कि आलू की कुकीज हमने बनाई है, आलू की जलेबी, आलू के गुलाब जामुन, ऐसे कई पदार्थ है जो कि हम आलू से बना सकते हैं और जिसका जो एमएनडब्ल्यू है वो अपने एक नया यूनिट खोल सकते हैं जिससे उनको एक रोजगार मिल सकता है। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं तो हमारी जो वैरायटीज है जैसे कि कुफरी गिरधारी, कुफरी ज्योति, कुफरी मेघा, कुफरी फुकराज, ये सारी वैरायटीज हम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए सजेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो भी यंग किसान है जो इस चिप्स बनाने या फ्रेंच फ्राइज बनाने में इंटरेस्टेड है वो हमारे कुकरी सेंटर में प्रशिक्षण ले सकते हैं
जिससे कि उनको इस टेक्निक की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और काफी दूसरे सारे प्रोडक्ट्स का भी हम लाइसेंस देते हैं। तो कृपया करके जो भी इंटरेस्टेड फार्मर्स है वो हमारे डायरेक्टर सीपीआर से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद। मुझे आज तक नहीं पता था आलू से गुलाब जामुन बनते हैं और आलू से जलेबी भी बनते हैं। सर बिल्कुल हम ये फ़ायदा आपसे ले लेंगे हम। और अभी अगले जानते हैं हम सर बैंगन के किस्म में कौन सी है, थोड़ा बताइए। संस्थान में बैंगन से संबंधित हम लोग की जो कुछ प्रमुख जो किस्में हैं, देखिए आप उसमें देख सकते हैं, अर्का हर्षिता है, ये एक ओपन पॉलिनेटेड है, खुले परागण वाली है और उपज क्षमता जो है इसकी 36 से 38 टन प्रति हेक्टेयर है और 120 दिन में तैयार हो जाती है। अर्का उन्नति भी उसी श्रेणी में आती है जो कि 110 दिन में करीब 34 से 36 टन की पैदावार देती थी। अर्का आनंद जो है वो हमारी पुरानी किस्म है, उसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा है, 55 से 60 टन प्रति हेक्टेयर, मगर उसी हिसाब से 145 से 150 दिन की ये फसल है। हमारे संस्थान, हमारा जो केंद्र भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ से एक वैरायटी हमने रिलीज़ की अर्का नीलांचल श्यामा जो कि गोल आकार की है, इसकी उत्पादन क्षमता 40 टन है और 130 से 140 दिन में ये उपज प्राप्त होती है। इसलिए किसान जिनको अगर लंबे आकार का अगर चाहिए तो वो हमारे अर्का आनंद, हर्षिता और उन्नति में से, और अगर गोल चाहिए तो उसके लिए अर्का नीलांचल श्यामा हमारे पास उपलब्ध है। सर कद्दू के बारे में कौन सी किस्में है, थोड़े वो भी बता दीजिए। कद्दू में देखिए हमारे पास दो मुख्य हैं, एक अर्का सूर्यमुखी है, एक अर्का चंदन है। अर्का चंदन जो है उसमें वाइटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे पोषण के लिए बहुत अच्छा है, वाइटामिन है हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। उसकी उपज क्षमता 33 टन है, 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। अर्का सूर्यमुखी 1 किलोग्राम का है, एक फैमिली के लिए, एक छोटे परिवार के लिए उपयुक्त है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रूट फ्लाई के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखती है। उत्पादन क्षमता उसकी अर्का चंदन यानी कि 34 टन के आसपास है और फलों के आकार को आप देखेंगे तो छोटा दिख रहा है और इसको आसानी से उगाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि कद्दू वर्गीय होने के कारण इसको किसी भी फसल चक्र में हम इसको बिठा सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरे घर में मुझे फूल गोभी, बंद गोभी और खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिए हैं क्योंकि इसको कहते हैं जितनी मात्रा की साइज ये होती है उससे ज़्यादा उसमें केमिकल होती है। लेकिन मैंने हमारे घर वालों को बोला नहीं, IHR वालों के पास एक तकनीक है जो इससे बच सकते हैं। सर बिल्कुल सही कहा आपने, जो खासकर ये जो पत्ता गोभी और फूल गोभी में उसमें सबसे ज़्यादा जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इसका स्प्रे किया जाता है और जो प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है वो है डायमंड बैक मॉक की और दूसरी जो समस्या है वो शायद एफिड्स की होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे संस्थान में एक तकनीक का वो विकसित किया है जिसे नीम सीड पाउडर पैलेट्स फॉर्मुलेशन के नाम से जाना जाता है। 30 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसको सप्ताह के अंतराल में जब इसकी रोपाई हो जाती है उसके 20 दिन के बाद से आप इसको देना प्रारंभ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने स्वस्थ और मनमोहक आपको यहाँ पे फूल गोभी और पत्ता गोभी की सब्जी दिखाई दी जाती है और सबसे खुशी की बात यह है कि इसके ऊपर किसी भी रसायन का अवशेष नहीं होता है, आप इसको आसानी से धो के इसको खा सकते हैं। सर कोई किसान अपना है तो इसका कुछ बताइए। जैसे मैंने बताया हाल ही के दिनों में विकसित हुआ है मगर इसके क्षमता को देखकर, इसके एफिशिएंसी को देखकर हमारे किसान भाइयों ने इसको अपनाया है और हम दिखाना चाहेंगे कि किसान इसको अपना के कैसे लाभ कमा रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नाम हरीश है, मैं मादापनाहली गांव का रहने वाला हूं। मैंने पिछले साल आधे एकड़ में फूल गोभी की खेती की थी। इसमें मैंने रासायनिक कीटनाशक के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा लगा था लेकिन इस साल मैंने IHR के संपर्क में आकर अर्का नीम सीड पैलेट तंत्रज्ञान की जानकारी ले ली और मैंने इसे मेरे खेत में अपनाया। इससे मुझे सिर्फ 9,000 रुपये का खर्च हुआ, साथ ही साथ जो मेरे खेत में उगी फूल गोभी का अच्छा रंग था और उपज भी बहुत अधिक मिला मुझे और मेरे फूल गोभी को मार्केट में बहुत अच्छा दाम भी मिला। अभी हम हमारे अनुसंधान संस्थान जो केले के अनुसंधान है तिरछी में, वहाँ से हम केले के किस्मों के बारे में डॉक्टर सरस्वती मैम से जानना चाहते हैं। अनम्यूट मैडम प्लीज अनम्यूट। वैरायटीज रेकमेंडेड फॉर द जोन 6 आल्सो, दैट इज वन इज उदयन व्हिच इज सिमिलर टू कंथावी बट इट इज 15% हायर यील्ड व्हेन कंपेयर्ड टू कंथावी एंड दिस वैरायटी एक्चुअली इट
maximum yield we have recorded up to 40 kilos and the average yield is almost 30 kilos. And this variety can go for fig and the juice industry because it is sweet in taste and it is because of the high THC. And the flower bud, it can be used for pickling as well as for sabji making. And the second variety, it is Kaveri Sabha. Again, this is similar to our Muntan types or the Kutia and Mutia types which are grown. And here also, the yield is almost 32 kilos. Average yield is 32 kilos, which is well ahead of 20 kilos, which is recorded in the normal cooking banana types. And because of the little higher THC, this can be used as a dual purpose variety. And the most important is this variety is tolerant to drought and it can be grown in marshal and saline soils. And it has better shelf life and compared to the normal Muntan types. And the third variety is Kaveri Harita. It is similar to the Bagna variety. And here also the yield is almost 30 kilos. And the last variety is Kaveri Kanya. This is actually, again, this is a cooking type variety, but suitable for dessert also. This variety can go for closer planting by accommodating 200 plants more. That is, if it is 800 plants in case of Muntan, here you can grow 1,000 plants per acre, and that too with the spacing of 1.8 meters or 2 meter spacing. And with respect to the embryogenic cell suspension, till date we were producing the tissue culture plants only using shoot pass explants. Now we are using somatic embryo explants. And what are the benefits of it? Because using 1 ml of the suspension, because in normal shoot tip, from a single shoot tip, you will be able to produce only some 500 to 750 plants. But in case of the somatic embryos, from 1 ml of the suspension, we will be able to produce plants which is required for 1 hectare of plantation. That is almost 4,000 plants we will be able to produce. So that is the advantage. By doing so, you are able to reduce the production cost also. And the production cost from 8 to 10 rupees in case of shoot tip derived bananas. But here it is just reduced to 50%, that is 5 rupees per plant. And this is also in compliance with the Thank you, ma'am. Thank you so much for information. And I would like to हम तंगवेलु सर जो केले की रोग के बारे में जानना चाहते हैं. डॉक्टर तंगवेलु से कनेक्ट कीजिए प्लीज. ओके. पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पर्टिकुलरली इन असम, they grow more of a Malbork type, that is a silk type of banana. In that, fissure milt and leaf spot are the major problems. With regard to silk, fissure milt, it is caused by a fissurium pathogen. It is a soil-borne fungus and it spreads by soil, water and planting material. This is where these three modes are the are spreading the disease. And once the disease comes in the field, it is very difficult to eradicate. So the integrated management is very important. So the first point is wherever it is possible, they have to grow gram nine or red banana variety. And they have to do the crop rotation with the paddy. And as far as possible, use disease-free planting material. And once the fissure milt infected plants are noticed, it should be killed by injecting herbicide. And after the harvest, they have to eradicate by burning the infected plant. And the another important thing is, we have got a very good ICR NRCP consortia. They can get it, and then if they apply for 3 times at the rate of 50 gram, it will be controlled easily. And another important disease is leaf spot disease. It is caused by a fungus which is airborne in nature. All the varieties grown in these zones are infected by leaf spot disease, and the management practices is remove the all the infected lower leaves regularly, once in 15 days or 20 days, and spray the fields with fungicides. Dhanyavad, doctor. Yeah. Still to continue, sir. One is carbendazim, second one is propiconazole, and another one the nativo. These three fungicides should be alternated at 25 days interval, and if they do it, it will be controlled easily. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Tangavelu sir. Fusarium wilt or leaf spot disease, जैसे सर ने कहा, इसकी solutions अपनाएंगे तो बहुत कमियां हो जाएंगी. और अभी हम tapioca crop के बारे में जानते हैं, Dr. M.N. Sheila ma'am जो CTCRI Trivandrum से. धन्यवाद.
एशिया सीटीसीआरआई ने कसावा के काफी नए किस्में विकसित किया जिसमें कसावा मोज़ेक डिजीज रेसिस्टेंट लाइन्स भी है। उसमें श्री रक्षा एक ऐसे किस्म है जो ज्यादा दिन तक रह सकते हैं और एक सीएमडी रेसिस्टेंट भी है। श्री शक्ति और श्री सुवर्णा भी सीएमडी रेसिस्टेंट किस्म है। इंडस्ट्री के लिए दो ट्रिप्लॉइड किस्में का विकास किया गया और वो है श्री अबुरिया एंड श्री अबुर्वा जिसमें स्टार्च की मात्रा 30% से अधिक है। श्री पवित्रा एक ऐसे किस्म है जिसका कुकिंग क्वालिटी बहुत तो बढ़िया है और एक मिट्टी में पोटेशियम के कमी में भी अच्छा उपज देता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। सर हमने तो इन सभी लोगों को वही बिठा दिया, क्या सर प्लीज आप इन सभी को यहाँ लाइव दिखा देंगे सर सब्जियों में? जरूर जरूर, मगर उससे पहले मैं डॉक्टर शीला को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हिंदी में जो अपना जो यहाँ पे वैरायटी के बारे में बताया, बहुत खुशी हुई कि इससे सीधे हमारे किसान इससे लाभान्वित होंगे। मैडम हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं खरबूजा जो हमने अपने खेत में अपने प्रक्षेत्र में उगवाया है, अर्कासिरी जो कि अभी हाल ही में विकसित की है 1 साल या 2 साल पहले, कॉन्टलॉप खंड में इसे जाना जाता है। इसका वजन जो होता है 1 किलोग्राम के आसपास है, आप आकार से अंदाजा लगा सकते हैं 1 किलो के जो औसत वजन है वो 1 किलो के आसपास है। शुरू में इसके ऊपर आपको जाल दिखाई देगा, नेट के जैसा दिखाई देता है और हरे रंग की धारियाँ होती हैं। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये जो जाल होता है ये बदल जाती है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है जो TSS है वो 12 डिग्री के ऊपर है ब्रिक्स के ऊपर, तो इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है और विशेषकर कर्नाटक आंध्रा और तेलंगाना के जो किसान हैं इसको उगाकर काफ़ी प्रसन्न भी हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे मरका श्यामा की, ये भी एक नई किस्म है जिसको हाल ही में हम लोग ने यहाँ पे विमोचन किया है। इसका वजन जो है 3 से 4 किलोग्राम है, एक फैमिली पैक है ये। आप देख सकते हैं इसकी त्वचा जो है वो हरी रंग और काले रंग की होती है, आइस बॉक्स सेगमेंट में इसे जाना जाता है। इसकी जो TSS है वो भी 12 से ऊपर है और जो यील्ड मिलता है हमको 1 हेक्टेयर से 50 टन के आसपास है, तो काफ़ी हाई यील्डिंग भी है और साथ में इसके जो अंदर जो मीठापन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तीसरी जो बात करेंगे लौकी, वो नॉर्थ ईस्ट में इसको उगाया जाता है, अर्का गंगा। जो मुख्य बीमारी है इसमें गमी स्टेम ब्लाइट, उसके अगेंस्ट में ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट है। हरे रंग के फल है, ज़्यादा बड़े नहीं है और आप देख सकते हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता 55 टन के आसपास है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 56 डेज में इसकी पहली हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ क्रॉप लेंगे अर्का विक्रम, ये एक हाइब्रिड है हमारी तुरई की, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी पहली तुड़ाई जो है 46 डेज में ही हो जाती है और जो यील्ड है 34 टन पर हेक्टेयर, 34 से 38 टन्स है। और इसमें पोटेशियम कैल्शियम आयरन जिंक और मैग्नीज जैसे जो हमारे तत्व हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और पकाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है, अच्छा स्वाद आता है। बैंगन में अर्का हर्षिता हमने पहले बताया था कि गुच्छों में लगने वाला ये वैरायटी है और बैक्टीरियल विल्ट के प्रतिरोधी है। आप फलों को देख सकते हैं, हरे रंग के हैं और नरम भी है और जल्दी ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसकी उपज प्राप्त हो सकती है। टमाटर में एक किस्म है अर्का अपेक्षा, जिसको कि हम लोग ने प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया है। इससे आप प्यूरी पेस्ट केचप और सॉस वगैरह इसका बना सकते हैं। जो यील्ड लेवल है 80 से 90 टन है और 130 से 40 दिन में की ये फसल है। दूसरी एक और किस्म है अर्का अभेद, जिसमें कि 4 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसमें मुख्य है लीफ कर्ल वायरस जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट जो समस्या आपके नॉर्थ ईस्ट में आती है, इसके अलावा लेट ब्लाइट। और वजन एक फल का देखिए 90 से 100 के ग्राम के आसपास है एवरेज। और रंग देखिए आप कितना लाल रंग दिखाई दे रहा है। और इसको आप बाज़ार में सीधे ताज़े फलों के रूप में भी बेच सकते हैं। मिर्च में जो समस्या हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है लीफ कर्ल वायरस की, उसी में से 2 वैरायटी को हम दिखा रहे हैं, अर्का तन्वी और अर्का तेजस्वी। अर्का तन्वी को आप हरी मिर्च के तरह और सूखे मिर्च दोनों की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू निमेटोड और वायरस के लिए ये टॉलरेंट है
और यील्ड जो है इसकी 100 क्विंटल पर एकर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। मिर्च अर्का तेजस्वी जी जो है वो पाउडर मिल्ड्यू और वायरस के लिए सहनशील है और इसकी उपज जो है 3 से 3.5 टन्स पर हेक्टर के हिसाब से आपको सूखी उपज मिल जाएगी और ये विशेषकर ड्राई यील्ड के लिए, ड्राई चिली के लिए इसको उगाया जाता है। चिली में अर्का तन्वी, अर्का तेजस्वी के बाद यार्ड लॉन्ग बीन, अर्का मंगला, ये हमारे जो सभी मौसम में इसको आप यहाँ पे उगा सकते हैं। ये जो सामान्य लोबिया है इससे थोड़ी बड़ी होती है, 80 सेंटीमीटर के लंबाई है, इसको आप आसानी से खेती में उगा सकते हैं। लगभग 100 दिनों की फसल है, 100 से 110 दिन तक इसको आप अपने खेत के चारों ओर बाउंड्री के रूप में भी उगा सकते हैं और मुख्य फसल के रूप में भी उगा के आप इसका लाभ कमा सकते हैं और इसकी उपज क्षमता 25 टन प्रति हेक्टेयर है। सेम में अर्का प्रसिद्धि, इसको आप अपने क्षेत्र में उगा के देख सकते हैं, इसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। जो फल इसमें लगते हैं, जो फलियाँ लगती हैं वो गहरे हरे रंग की होती हैं और चपटे होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं। ये रस्ट की प्रतिरोधी है, दक्षिण भारत में बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर रही है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप इसको लगाएंगे तो अच्छी उपज पाएंगे। करीब 37-36 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था, हम आपको प्रक्षेत्र भ्रमण लाइव दिखा देंगे। हमने सब्जियों के प्रक्षेत्रण आपको लाइव दिखाया है, अभी हम फूलों के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सर हैं। सर, फूलों की जो गुलाब की किस्में हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। गुलाब में हमारे संस्थान ने 4 तरह की किस्में विकसित की हैं। ये कट फ्लावर कैटेगरी में आती है अर्का आइवरी। अर्का आइवरी ये पॉली हाउस की वैरायटी है, इसके साथ साथ ओपन में भी इसको लगा सकते हैं। इसमें 200 के आसपास पर स्क्वायर मीटर में इसमें फूल आते हैं और जब ओपन में लगाते हैं तो 400 आ जाते हैं। ये अर्का स्वदेश वैरायटी है। अर्का स्वदेश की जो यील्ड है, जो इसकी उपज है, वो 250 फूल आते हैं पॉली हाउस में, जबकि ओपन में लगाने से ये 400 आते हैं, लेकिन इनका डंठल की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। ये भी एक कट फ्लावर वैरायटी है। और एक वैरायटी है अर्का प्राइड, ये वैरायटी भी कट फ्लावर के लिए विकसित की गई है। इसको पॉली हाउस में भी लगाते हैं और ओपन में भी लगाते हैं। अर्का प्राइड से 165 पुष्प डंडियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें सुगंधित किस्म की भी ये किस्म की जो वैरायटी हैं वो भी डेवलप की गई हैं। उनमें से एक है अर्का परिमला, जो कि बहुत ही सुगंधित वैरायटी है। इसकी उपज होती है 15 टन प्रति एकड़। और दूसरी वैरायटी है अर्का सुकन्या, उसकी उपज भी 15 टन है और उसकी जो निदानी आयु है 2 से 3 दिन है। अब इसमें कुछ भूदृश्य के लिए कुछ किस्में विकसित की गई हैं। उनमें से एक है अर्का किरण, इसके फूल गुलाबी लाल रंग के होते हैं, लैंडस्केप में लगाई जाती है। दूसरी ये है अर्का शर्मिली और तीसरी वैरायटी है अर्का सिंचना। ये तीनों किस्में लैंडस्केपिंग के लिए विकसित की गई हैं। और एक और तरह का गुलाब होता है जिसको लूज फ्लावर बोलते हैं, उसमें एक वैरायटी विकसित की है अर्का सभी, जिसकी उपज बहुत ही ज़्यादा है, 30 टन प्रति एकड़ प्रति ईयर प्राप्त होती है। और कुछ किसान भाइयों ने इसका लाइसेंस भी लिया है और उसको ये उगा रहे हैं। धन्यवाद राजू सर, आपने तो फूलों की नजरिया दिखाया। सर, कोई किसान अपनाया है, ये अपनाया हो तो इसकी प्रतिक्रिया बताइए सर। हाँ डॉक्टर रतिक, इसमें एक हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने इसको अपनाया है, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उनका कैसे विचार है इस फसल के बारे में। मैं शिवकोटे गाँव से चंद्र बाबू हूँ। मैं पिछले 2 सालों से गुलाब की अर्कासवी किस्म की खेती कर रहा हूँ। मुझे 1 एकड़ में प्रतिवर्ष 25 से 30 टन की उपज प्राप्त होती है। इस किस्म के फूलों की निधनी आयु 4 से 5 दिन तक रहती है। अपने चमकीले रंग के कारण बाजार में इसकी बहुत मांग है और लगता भी बहुत अच्छा है। खुद आपने देखा सुना है, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। मेरा यहाँ मानना है रोग और कीट फूल में है, इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशंस दीजिए सर। हाँ, गुलाब में कुछ
खास रोग और कीट लगते हैं, उनमें से रोग में से एक पाउडरी मिल्डू है। जैसा कि बताया कि इसमें पाउडरी पाउडर टाइप की ग्रोथ आती है जो कि प्रकाश संश्लेषण को रोक देती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सल्फर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे इसके प्रकोप को कम किया जा सके। दूसरी बीमारी है ब्लैक स्पॉट। जैसा कि आपने देखा इस स्लाइड में, पत्ती के ऊपर काले धब्बे आ जाते हैं और इससे पौधे का फूल छोटा हो जाता है और इसमें पौधे बौने रह जाते हैं। इसमें जो संस्तुति की गई है, जैसा कि इसमें स्लाइड में दिखाया है, कार्बेंडाजिम का स्प्रे करने से इससे बचाव किया जा सकता है। ये एक डाईबैक बीमारी है, इससे करीब करीब 100% लॉस होता है किसान को। जब प्रूनिंग करते हैं तब उसके बाद अगर उस पर कैप्टॉन और मैनकोजब का स्प्रे नहीं किया गया या पेस्ट नहीं किया गया तो वो जहाँ से प्रूनिंग किया है वहाँ से नीचे की ओर ये पौधा मरने लगता है। नेक्स्ट, थ्रिप्स का जो प्रकोप है वो जैसे ही फरवरी मार्च शुरू होता है इसका प्रकोप आ जाता है। इसका प्रकोप पॉली हाउस में भी होता है, ओपन में भी होता है। तो जैसा बताया गया है एसाफेट और फिप्रोनिल का स्प्रे करने से इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट। हाँ, धन्यवाद राजू सर। राजू सर, ये बताइए कि मैरीगोल्ड में हमारे पास कौन से किस्में हैं? मैरीगोल्ड में IHR ने कई किस्में विकसित की हैं जो कि नारंगी रंग में भी हैं और पीले रंग में भी हैं। दोनों ही लूज फ्लावर के लिए उत्तम मानी गई हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक वैरायटी है अर्का अग्नि आपके सामने। इसकी जो उपज है इसकी 5 टन प्रति एकड़ आती है और इसके साइज़ फूल का साइज़ बड़ा होता है। दूसरी वैरायटी आप देख रहे हैं अर्का बंगारा 2, इसका जो उपज है वो 7 टन पर एकड़ है। और इसमें एक खास बात है, ये कटिंग से मल्टीप्लाई होता है, इसमें सीड तो बनता नहीं है। ये हाल ही में हमारे यहाँ से कुछ F1 हाइब्रिड विकसित किए गए हैं, उनमें से ये है अर्का अभी, पीले रंग का है अर्का अभी, और इसकी तो उपज 10 से 11 टन प्रति एकड़ है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, 6 से 8 दिन तक ये रुक सकता है। और इसी में दूसरा हाइब्रिड आप देखेंगे, ये भी F1 हाइब्रिड है, अर्का शुभा। ये है ऑरेंज नारंगी रंग का और इसमें एक पदार्थ होता है ल्यूटिन, वो भी मिलता है। और एक दूसरी F1 हाइब्रिड है विभा, इसमें भी ल्यूटिन कंटेंट पाया जाता है। यील्ड इसकी भी 10 से 12 टन पर एकड़ होती है। अर्का भानु एक दूसरी वैरायटी है, उसकी भी यील्ड 10 से 12 टन है। और 2 किस्में हमारे संस्थान ने विकसित की है, अर्का हनी और अर्का परी। इनको पॉट में लगाने के लिए संस्तुति की गई है और लैंडस्केप में भी लगा सकते हैं। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड के अंदर आती हैं। सर, जैसा कि आपने दूसरे किस्मों में किसान ने अपनी एक्सपीरियंस बताते हुए दिखाई गई, ऐसे ही कोई मैरीगोल्ड में कोई तकनीक है ऐसे लगाए हैं? हाँ, मैरीगोल्ड में हमने बहुत वैरायटी डेवलप की हैं, उनमें से एक बंगारा 2 किस्म है जो कि हमारे किसान भाई ने, ये मिस्टर नायक ने इसको अपनाया और उनका विचार देखते हैं वो क्या कहते हैं इस वैरायटी के बारे में। गेंदे की बंगारा 2 किस्म से बहुत अधिक पैदावार मिली। एक पौधे से आमतौर पर 3 किलो से अधिक पैदावार मिलती है। मैंने फूल 130 रुपए के हिसाब से बेचा है और अब तक 1 एकड़ से 2 लाख की आय मिली। अभी और अधिक पैदावार मिलने की उम्मीद है। सर, गेंदा सिर्फ खेत में नहीं, अगर कोई दूसरी जगह जैसे लैंडस्केपिंग वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है ऐसे भी कोई तकनीक या किस्म है सर? हाँ, गेंदा एक्चुअली अकेला लूज फ्लावर के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, ये पॉट में भी लगाया जाता है सुंदरीकरण के लिए। सो हमारे संस्थान ने, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे संस्थान ने एक टेक्निक विकसित की है। ये 6 इंच के पॉट हैं, इनका जो पॉटिंग मिक्स मीडिया है वो एक खास है। इसमें अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम और वर्मी कंपोस्ट का 1:1 अनुपात में मिक्सर बनाया गया है और इसमें अर्का सस्य पोषका रस जो होता है, जो हमारे संस्थान की एक टेक्नोलॉजी है, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में डाल के ड्रेंचिंग करने से आपको ऐसे स्वस्थ और उत्तम पॉट प्लांट प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा लगा सर इसके बारे में भी जानकारी सुन के। सर, इसके बारे में रोग और कीट जो हैं उसके बारे में थोड़ी आप नज़र डालिए। हाँ, मैरीगोल्ड में जो गेंदा है
उसमें कुछ रोग लगते हैं जो कि पत्तियों पे आते हैं और फूल में भी लगते हैं, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है लीफ स्पॉट और ब्लाइट है। इसमें काले काले धब्बे आ जाते हैं और पौधे की जो विगर होती है वो बहुत कम हो जाती है, फ्लावर छोटे हो जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है। तो उसके लिए जैसा इसमें तकनीक बताई गई है कि एक क्लोरोथाइनॉल का स्प्रे करने से, 2 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करने से इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और जैसा कि बोला जाता है कि एकीकृत रोग प्रबंधन अगर ये किया जाए तो जैसे इसमें तकनीक बताई गई है कि FIM को टाइकोडर्मा के साथ मिक्स करके डालना चाहिए, अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम डालना चाहिए, अर्का वेजिटेबल स्प्रे करना चाहिए, और जब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें एसाफेट का स्प्रे करके उसके प्रकोप को कम करें। जब ये करेंगे तो जब बीमारी कम होगी तो पौधे की अवस्था अपने आप स्वस्थ होगी और ज़्यादा उसमें उपज प्राप्त होगी। एक माइट जो है ये बहुत पॉलीफेगस है और जैसे ही आर्द्रता कम होती है वातावरण में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो जैसे ही अगर ये लगा तो उसमें पत्तियों को रिमूव कर देना चाहिए, उनको तोड़ करके फेंकना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा संभव नहीं है तो इसके लिए डाइकोफॉल या वेटेबल सल्फर करना चाहिए, लेकिन ये तभी इफ़ेक्टिव है जब शुरुआती दौर में इसको स्प्रे करें। अगर उसमें ज़्यादा हो गया है तो एसाफेट वगैरह या सिस्टमिक फंजीसाइड स्प्रे करें। ये बड बोरर जो है इसकी फूल की बड को डैमेज कर देता है तो उससे पूरे फ्लावर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ कुछ टेक्निक है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को अगर स्प्रे करेंगे तो इसका प्रकोप से कम किया जा सकता है। सर, रजनीगंधा के अलग अलग जो किस्में हमारे संस्थान में हैं उसके बारे में थोड़ा आप नज़र डाल के बताइए सर। हाँ, संस्थान ने बहुत ही उत्तम किस्म की रजनीगंधा की किस्में विकसित की हैं। उनमें से जो एक है अर्का प्रज्वल, आप देख रहे हैं, ये तो पूरे भारतवर्ष में इसका किसान भाई इससे फ़ायदा ले रहे हैं। इससे 6 से 8 महीने तक फूल देती रहती है और इससे 7 टन प्रति एकड़ प्रति ईयर फूल प्राप्त होते रहते हैं। दूसरी किस्म है अर्का वैभव, ये है डबल टाइप की किस्म और ये कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से करीब करीब 80,000 फ्लावर प्राप्त होते हैं, मीन्स डंठल इसमें प्राप्त होते हैं और ये कट फ्लावर में इस्तेमाल करते हैं। इसको 3 महीने के बाद ही इसमें फ्लावर आने लगते हैं। तीसरी वैरायटी अर्का निरंतरा, जैसा नाम ही बताता है कि इसमें निरंतर फूल आते रहते हैं, ये भी 6 से 8 महीने तक लगातार फूल देती रहती है। इसमें 8 टन फूल प्रति एकड़ से प्राप्त किए जा सकते हैं और ये क्योंकि सिंगल टाइप है तो ये लूज फ्लावर में इस्तेमाल होती है। अर्का श्रृंगार है, इसकी जो उपज है 8 टन प्रति एकड़ प्रति ईयर किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने सुगंध राजा की परिचय दे दी। पहले तो हम सिर्फ एंटमोलॉजी पेस्ट के बारे में ही सुनते थे, लेकिन आजकल नेमाटोड नेमाटोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। सर, जैसे कि आपने कहा सुगंध राजा में नेमाटोड की बहुत दिक्कत है, इसमें आपके सुझाव बताइए सर। हाँ, नेमाटोड के बारे में जैसे ये जानकारी दी गई है, इसमें हमारे संस्थान से टेक्नोलॉजी विकसित की गई है कि अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम इसमें मिक्स करके और बायोपेस्टिसाइड मिक्स करके इसको लगाने से उसका प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इसमें ट्राइकोडर्मा वेरिडी है, पेलियोमाइसिस है, सुडोमोनास है और इसके मिक्सर बना करके 1 टन FIM में इसको मिला करके, अच्छे से मिला करके इसको बेड में डाल देते हैं और इसमें नमी बनी रहनी चाहिए जिससे कि जो उसमें माइक्रोब हैं वो अच्छी तरह से उसमें मल्टीप्लाई कर सकें। सर, कोई अगर किसान इस तकनीक को अपनाया हो या इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया दे दे। हाँ, हमारे पास कुछ जानकारी है और एक किसान भाई हैं, वो अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं, उसका वीडियो आप देखिए। मैं सिद्धार्थ धर्मापुरी तमिलनाडु से हूँ। मैं अर्का प्रज्वल ट्यूब रोज किस्म की खेती कर रहा हूँ। एक दिन में 325 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी कि 16 से 18 टन फूल प्रति वर्ष की फसल ले सकता हूँ। मैं नीम के और खेतों की खाद समृद्ध जैव कीटनाशक अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम का उपयोग कर रहा हूँ। इससे मुझे
अधिक उपज मिल रही है और खेती की लागत कम हो गई, रासायनिक प्रबंधन में 15,000 रुपये खर्च कर रहा था, जबकि इस IIHR तकनीकों का उपयोग करने से खर्चा प्रति एकड़ के लिए सिर्फ 2,500 रुपये आ रहा है। ट्यूब रोज किस्म अर्का प्रज्वल और जैविक कीटनाशक तकनीक ने मुझे सर्वोच्च उपज प्राप्त करने में मदद की है। अभी हम बात करते हैं जरबेरा की। मैंने तो सुना हूँ जरबेरा सिर्फ विदेश की वैरायटी होते हैं, डच वैरायटीज बोलते हैं। सर, कोई ऐसी वैरायटी है जो हमारी हो या और ओपन में किया हो, उसके बारे में हो तो जानकारी दीजिए। हाँ, डॉक्टर अतीक, हमारे संस्थान ने 2 ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कि खुले में उगाई जा सकती हैं और उनकी उपज जो विदेशी वैरायटी हैं करीब करीब उनके बराबर है। तो ये जैसे हाल ही में एक किस्म विकसित की गई है अर्का रेड, इसका फूल डबल टाइप के होते हैं, इसका जो डंठल है वो करीब करीब 40 सेंटीमीटर का होता है और इसमें पर स्क्वायर मीटर से करीब करीब 40 फूल प्राप्त किए जा सकते हैं और इसकी निदान आयु होती है वो भी 4 से 6 दिन होती है। सर, इसमें रोग और कीट के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, इसमें कुछ बीमारियां हैं जिससे कि इसकी उत्पादकता और उपज कम हो जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया है फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में। फ्यूजेरियम विल्ट क्या होता है, नीचे इसमें राइजोम होता है, जब उसमें ये फंगस अटैक कर देता है तो पूरा प्लांट मर जाता है और ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि मेनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। जैसा दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू, ये पौधों की पत्तियों पर आती है और सफ़ेद चूर्ण कवर कर देती है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पौधे की उत्पादकता कम हो जाती है। सो एजोस्ट्राइबिन बताया गया है जैसा कि, और हेक्सोकोनाजोल अगर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे निजात पाई जा सकती है। सर, मैंने सुना है जरबेरा में नेमाटोड की भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सुझाव है सर किसान? हाँ, वाइट फ्लाई जो है बहुत ही खतरनाक है। वाइट फ्लाई जो है, जैसे ही पॉलीहाउस में आर्द्रता कम होती है या वातावरण में, तो वाइट फ्लाई का प्रकोप रहता ही रहता है। अगर शुरुआती समय में इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फूलों की क्वालिटी घट जाती है। जैसा कि इसमें बताया है, डेल्टा मेथ्रिन और अदर जो केमिकल लिखे हुए हैं इसमें, उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके प्रकोप, इससे पूरी तरह से तो निजात नहीं मिलती है बट कम हो सकता है, इसका प्रकोप से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। फार्मर्स वीडियो प्लीज। हाँ नहीं, एक किसान भी जो है वो जरबेरा नेमेटोड मैनेजमेंट में सफलता हासिल किए हैं, अगर उनका वीडियो हो तो कृपया हमारे दर्शकों को या हमारे किसान भाइयों को बता दे। मैं किरण दडबलापुर से हूँ। जैविक कीटनाशकों के साथ IIHR नीम के एक संवर्धन तकनीकों का लागत को कम करने के लिए बहुत आदर्श है। हमें ये एहतियात के तौर पर इसके पालन करने चाहिए, इससे पौधों की सेहत बनी रहती है और ये हमारे लिए फायदेमंद है। मैं कर्नाटक से रामकृष्ण हूँ। पॉली हाउस में जरबेरा की खेती के लिए हमें IIHR से अच्छी तकनीक की सहायता मिल रही है। हम ड्रिप के माध्यम से नीम के एक AMC और अन्य जैव कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमें निमटोड को कम करने में और अधिक पैदावार करने में फ़ायदा हुआ है। मेरा सुझाव है कि अन्य किसान भी इस तकनीक का उपयोग करें। धन्यवाद। कोई भी बागवानी मेला फूलों के बिना अधूरा है। हॉर्टिकल्चर फेयर विल बी इनकम्प्लीट विदाउट द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लावर्स, सो वी विल क्विकली टेक यू टू द लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लावर्स। सर प्लीज। अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर अर्का रेड वैरायटी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये खुले में उगाने वाली वैरायटी है और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है और ये डबल टाइप का जरबेरा है।
और इसी के साथ साथ दूसरी वैरायटी और है अर्का कृषिका, जो कि पीले रंग की वैरायटी है। अर्का कृषिका ये पीले रंग की वैरायटी है और ये भी कट फ्लावर और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये प्रति पौधा इसमें 36 फूल मिलते हैं और इसका जो डंठल का साइज़ होता है 35 से 40 सेंटीमीटर होता है और इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं। ये है अर्का चन्ना वैरायटी, जिसको अबोली बोलते हैं। ये दक्षिण भारत में बहुत ही वृहद स्केल पे इसको उगाया जाता है और इसमें जो नारंगी रंग के फूल दिख रहे हैं उसी की कीमत है। इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए हो जाती है जब फेस्टिवल होता है और इसकी निदानी आयु भी 2 से 3 दिन है। अगली वैरायटी है अर्का श्राव्या। इसकी जो ग्रोथ है वो फैलावदार होती है और इसके नारंगी रंग के फूल होते हैं। इसको पॉट में लगाने की संस्तुति की गई है, इसको लैंडस्केप में भी लगाया जा सकता है। इसका प्रवर्धन कटिंग के थ्रू किया जाता है। तीसरी वैरायटी है एक अर्का श्रिया और ये आप देख रहे हैं ग्लैडुलस है। ग्लैडुलस की अर्का अमर वैरायटी है जो कि 70-75 डेज में फ्लावरिंग आ जाती है इसमें। और इसमें खास बात है ये फ्यूजेरियम के लिए प्रतिरोधी है और इसमें 2 से 3 स्पाइक मिलती हैं और कम से कम 2 कन तो जरूर मिलते हैं इससे। एक और वैरायटी है अर्का आयुष, ये भी फ्यूजेरियम के लिए प्रतिरोधी है और इसमें 2-2 स्पाइक आती हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें। और रेड कलर का ये फूल होता है और येलो कलर का इसमें एक ब्लॉच होता है और इसमें 6 से 7 फूल एक साथ खिलते हैं। और ख़ास बात यह है इसमें कम से कम 2 कंद जरूर मिलते हैं, जबकि जो किसान भाई उगाते हैं उसमें 1 ही मिलता है। एक अर्का केसर किस्म है जो कि बहुत ही, इसका जो डंठल है बहुत ही दृढ़ होता है और ये अर्ली वैरायटी है। करीब करीब 70 दिन में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और कम से कम 2 डंडियाँ मिलती हैं, 6 से 7 फूल एक साथ इसमें खिलते हैं और इसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड होती है। एक और आपने फसल देख रहे हैं जिसको बोलते हैं चाइना एस्टर। ये पूर्णिमा अर्का पूर्णिमा वैरायटी है जो कि हमारे संस्थान से विकसित हुई है और आप देख सकते हैं इसके पाउडर पफ टाइप के फ्लावर और ये कट फ्लावर टाइप में यूज़ होती है। 6 से 7 टन प्रति एकड़ इसकी उपज मिल जाती है। किसान भाई इसको भी काफ़ी पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ एक और वैरायटी है अर्का शशांक, जो कि इसमें आप फूल अगर देखेंगे तो ये बॉल की तरह फूल दिखते हैं इसमें और ये भी कट फ्लावर के लिए इसकी संस्तुति की गई है। इसकी निदानी आयु 9 दिन होती है क्योंकि इसमें पोंपोन टाइप का फूल होता है, इसकी उपज बाकी से भी थोड़ा ज़्यादा रहती है। किसान भाई इसको भी पसंद करते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ये ज़्यादा, जहाँ लो टेम्परेचर है वहाँ ये क्रॉप नहीं आ पाएगी, लेकिन जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है जैसा बेंगलोर का जैसा है वहाँ पर ये आ जाएगी। हालांकि हमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से भी इसके सफल परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, पॉट प्लांट में जैसे कि मैंने ये टेक्नोलॉजी बताई थी, ये पॉट प्लांट की टेक्नोलॉजी संस्थान में डेवलप की गई है। इसके 6 इंच के पॉट हैं, इसमें इसके मीडिया में अर्का माइक्रोबियल कंसोर्शियम और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 1:1 में मिलाया गया है और इसके साथ साथ 2 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अर्का सस्य पोषिका रस का ड्रेंचिंग किया गया है इसमें, जिससे कि पौधे स्वस्थ हों और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, जिससे कि वो ज़्यादा आकर्षित दिखेंगे। ये आपके सामने जो किस्म है ये औषधि वैरायटी है अर्का धन्वंतरी। ये 180 से 190 दिन में की फसल है और इसकी बीज उपज है 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर। इसमें एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज़ करती है, उसको बोलते हैं एल्डोपा। वो 4.5 से 5 होता है जो कि लोकल किस्म से करीब करीब दुगना है। इसके काले चमकीले बीज होते हैं। नेक्स्ट, ये है सेंटेला। इसमें ये भी एक औषधि फसल है
इसको कुष्ठ रोग, त्वचा के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियाँ सब्जी बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं। इसकी जो शुष्क पत्तियाँ होती हैं उसकी उपज है 2.3 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। इसमें भी एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं एशियाटिकोसाइड, जिसका परसेंटेज होता है 2-4%, वो भी लोकल की अपेक्षा दुगना है। किसान भाई, इसको ये थोड़ा सा शेडी एरिया में उगाई जाती है, इसको भी किसान भाई उगा करके मुनाफा ले सकते हैं। धन्यवाद सर, हमने फूलों का और औषधि फलों का भी एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन इस साल लगे हैं, उसका नज़रिया हम उनको दिखाए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से हमको ये भी मांग आई थी कि हल्दी की कौन से किस्में हैं और वो कहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी देंगे। स्लाइड प्लीज। देखिए, ये 6 किस्म की हल्दी की किस्में IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कैलिकट जो केरला में है उन्होंने विकसित किया है। इसमें अच्छी वाली जो है प्रतिभा हो गया, सुदर्शना, सुरंजना, BSR2, IISR कदरम, ये 4-5 वैरायटी, ये बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी है। और जैसे कि अदरक की, हल्दी की नहीं, अदरक की भी हमको मांग आई थी कि उसकी भी प्रजातियाँ या कोई हो उसकी भी दिखाई है करके। जिंजर वेराइटीज़ प्लीज़, ये भी आपको IISR कैलिकट केरला से विकसित की गई वैरायटीज़ हैं, जैसे कि महिमा, सुप्रभाता, वज्रा, वर्धा, गिरिगंगा, ये सब अदरक की किस्में हैं। ये सब हमारी किस्में हैं या IISR की किस्में हैं, ये आपके लिए बनाई गई हैं। अपनी अपनी संस्थान से आप कांटेक्ट रख के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आया था, सुपारी से भी हमको पूरी जानकारी चाहिए करके, हमने इसलिए जो CPCRI से डॉक्टर एन नागराज है इन विशेषज्ञ को जोड़ा है। आप हम इनसे संबंध इनसे लिंक लेकर हम बात करेंगे, इसमें वैरायटीज कौन सी है। सभी को मेरा नमस्कार। हम ICAR केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की तरफ से 1956 से अरेकिनेटल यानी सुपारी के ऊपर संशोधन कर रहे हैं। 1956 से संशोधन करके 11 आईडिंग अरेकिनेट वैरायटीज को हम रिलीज किए। इन 11 में से 2 वैरायटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए रेकमेंडेड है। इसमें पहला है काईकुची बोल के, काईकुची नाम के एक वैरायटी हम रिलीज किए है। ये अधिक यील्डिंग वैरायटी है। काईकुची वैरायटी से प्रति वर्ष प्रति पेड़ से हमको 3.7 किलो तक ड्राई कर्नल यानी चाली यील्ड मिल जाएगा। और दूसरा वैरायटी है नलबरी बोल के, नलबरी वैरायटी बोल के और एक यील्डिंग वैरायटी सुपारी का वैरायटी हम रिलीज किए है। ये नलबरी वैरायटी से प्रति वर्ष प्रति पेड़ से हमको 4.15 किलोग्राम तक चाली यानी ड्राई कर्नल यील्ड मिल जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हम CPCRI को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारा CPCRI का भी एक रिसर्च सेंटर है असम में भी, उधर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी हमको सॉल्यूशन दी है। मैंने एक बार, हमारे साथ अभी जुड़े हैं डॉक्टर मीरा पांडे मैडम है, वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट मशरूम विभाग से हैं। मैंने मैडम से एक बार पूछा, मैडम जो मैंने एक कहावत है, ऑल दैट इज़ वाइट इज़ नॉट मिल्क, जैसे पूरे उजले मशरूम होते हैं वो पूरे खाए जा सकते हैं क्या? मैंने मैडम से पूछा, मैडम कह रहे थे नहीं, हालांकि कई रहते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। मैडम ने आपके इसके बारे में, एडिबल मशरूम्स के बारे में मैडम खुद आपको बताएंगे, प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर अतीक। और जैसे आपने कहा कि हाँ, रंग का, मशरूम के रंग का और उसकी टॉक्सिसिटी से, उसका वो कितनी जहरीली है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। हमारे संस्थान ने बहुत सी मशरूम की किस्मों की कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज की हुई है, और हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ का जो वातावरण है वो मशरूम के लिए बहुत ही उम्दा है, और वहाँ के लोग मशरूम की बहुत सी प्रजातियाँ उगाकर बहुत लाभ ले सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम एक आम मशरूम है जो कि वहाँ बहुत ही अच्छे से उग सकता है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम के अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो 2 बहुत ही उम्दा वैराइटीज़ जो हैं जो बहुत ही आसानी से वहाँ उगाई जा सकती हैं वो है शिटाके मशरूम, जो एक औषधीय मशरूम है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उगता है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो इसको जंगलों से भी लाया जाता है,
लेकिन इसको लकड़ी के बुरादे पर उगाने की पद्धति स्टैंडर्डाइज हो गई है, इसका स्पॉन भी हम देते हैं। तो ये वैरायटी बहुत ही आराम से हमारे पूर्वोत्तर राज्य के लोग इसको उगा सकते हैं और इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर जैसे मार्केट में ये करीब 2000 रुपए किलो बिकता है। इसके अलावा एक किंग ऑयस्टर मशरूम भी वैरायटी भी है, वो भी आराम से पूर्वोत्तर राज्य के लोग उसको उगा सकते हैं। उसकी भी विधि हमने स्टैंडर्डाइज की है और उसको कमर्शियली लोग अब उगा रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वो काफ़ी लाभदायक है। धन्यवाद मैडम। मैडम, स्पॉन प्रोडक्शन की भी थोड़ी आप उनको हमको थोड़ा बता दीजिए। मैम, मशरूम के बीजों को लेकर एक बहुत ही प्रॉब्लम है हर जगह, क्योंकि मशरूम के बीज एक ख़ास तकनीकी से बनाए जाते हैं और किसान खुद अपना बीज नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए भी हमने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे संस्थान में जो मशरूम एक जो इकाई है, मशरूम हमारे स्पॉन इकाई है, वहाँ से हम करीब 40 टन स्पॉन प्रतिवर्ष अपने फार्मर्स और अपने किसानों को देते हैं। इसके अलावा हमने करीब 26 लैब्स, स्पॉन प्रोडक्शन लैब्स पूरे देश में स्थापित की हैं, क्योंकि स्पॉन का मशीनीकरण इसी संस्थान से शुरू हुआ था। ये पहला संस्थान है जहाँ से कि स्पॉन बनाने की तमाम मशीनों का इजाद किया गया, जैसे कि ग्रेन क्लीनर, ग्रेन बॉयलर, ग्रेन मिक्सर, एक सौर ऊर्जा से चलने वाला ऑटोक्लेव और एक इनोक्यूलेटर। और ये सारी मशीनें हमने पूर्वोत्तर राज्यों में भी स्थापित की हुई हैं, जैसे कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पासीघाट में इस्टेब्लिश हुआ है, और सिक्किम के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में जो केवीके सिल्वन है वहाँ स्थापित हुआ है, सिक्किम के राज्य में स्थापित हुआ है। और क्योंकि स्पॉन की बड़ी महत्वता है किसी भी मशरूम यूनिट के लिए, तो वहाँ से हमारे जो किसान भाई हैं स्पॉन लेकर इसको इन सारी मशरूम्स को उगा सकते हैं। और हम स्पॉन की ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर अपना स्पॉन इकाई बनाना चाहें तो उसकी भी ट्रेनिंग हम देते हैं, और उनकी इकाई बनाने में हम पूरी तरह से उनको सहायक होंगे। धन्यवाद मैम, आपने संक्षिप्त में बीज, मशरूम बीज बनाने की इन्फॉर्मेशन दी है। हम अभी सुनते हैं मशरूम जो कर रहे हैं उनसे, जो किसान किए हैं उनसे ही हम सुनते हैं उनकी क्या। मेरा नाम जॉर्ज है, मैंने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और पिछले 2 सालों से मशरूम स्पान का उत्पादन कर रहा हूँ। संस्थान में हमें हर प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिस कारण मशरूम उत्पादन द्वारा अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। मशरूम उत्पादन स्वतः रोजगार के लिए एक लाभदायक उपक्रम है तथा ग्राहक भी संतुष्ट है, क्योंकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली और ताजे मशरूम प्राप्त हो रहे हैं। मैं शिता के किंग ऑयस्टर तथा ऑयस्टर मशरूम का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहा हूं। धन्यवाद। अभी हम मैडम, कोई मशरूम से मशरूम खाने के अलावा कोई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं? मैं जी हाँ, मशरूम से बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि हमने अपने संस्थान में अरका मशरूम रसम बनाया है, क्योंकि हमारा ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से मशरूम लोगों के हर रोज़ के खाने में शामिल हो। तो फ्रेश मशरूम के अलावा उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि मशरूम सूप या मशरूम रसम, मशरूम चटनी पाउडर, 7 प्रकार की चटनी पाउडर्स हमने मशरूम के साथ बनाई हुई हैं, मूंगफली के साथ और तिल के साथ और सहजन की पत्ती की पाउडर के साथ, अलसी के बीज के साथ, ताकि हम न्यूट्रिशन का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए और इसको रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें हमने मशरूम से बनाई हैं। इसके अलावा हमने अभी जो एक नई तकनीक जो ईजाद की है वो है आयरन फोर्टिफाइड मशरूम। ये आयरन फोर्टिफाइड मशरूम ड्राई पीसेस के तहत या पाउडर के तहत इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें आयरन की मात्रा दुगना हो गई है, कम से कम 33 मिलीग्राम पर किलो पर 100 ग्राम की के हिसाब से इसमें आयरन मौजूद है। और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मिनरल के लिए, कि उसका बायो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी जो आयरन बायो अवेलेबिलिटी है वो 21% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये आयरन कुपोषण के लिए ये हमारे देश में काफ़ी काम आ सकता है। धन्यवाद मैम। मैम, क्या ये
तकनीकी लाइसेंस के लिए भी मिल सकती हैं? जी हाँ, ये सारी जो हमने बताई अभी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं मशरूम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये सारे लाइसेंस के तहत लिए जा सकते हैं। और एक फार्मर मिस्टर राधा कृष्णा ने इसको लिया है और इसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं राधा कृष्णा जी से उनका क्या। मेरा नाम राधा कृष्णा है, मैं दक्षिण कर्नाटक से हूँ। मैंने नित्या ब्रांड की ठहर कई प्रकार की खाद्य उत्पादकों को बाजार में लाया है। मैं अब मशरूम से बने हुए उत्पाद जैसे मशरूम चटनी पाउडर और रसम पाउडर का उत्पादन शुरू किया हूँ। IIHR प्रशिक्षण लेने के बाद मैं इन्हें पुत्तूर और सूल्या तालुक की बाजार में बेच रहा हूँ। मैंने अभी मशरूम प्रशिक्षण देना शुरू किया है और इससे कई लोगों का फायदा हो रहा है। धन्यवाद। अभी हम देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के विभाग से हमारे साथ डॉक्टर एम कृष्णा रेड्डी सर हैं। मैं कृष्णा रेड्डी सर को आमंत्रित करता हूँ। मैडम धन्यवाद। मैडम सब्जी फूल इसके अलावा रोग को कैसे नियंत्रित करें इसका वीडियो हमको वीडियो दिखाएंगे। पहले लाइट कम सक्शन ट्रैप मैं टूटा कैसे मैनेज करते हैं इसको कृष्णा रेड्डी सर संक्षिप्त से बताएंगे। भाई आजकल टमाटर में जो नया इंसेक्ट आ गया ये अमेरिकन टू मात बोलते हैं इसका, ये जो है आके कीड़े बहुत फल को नुकसान करता है। इसको रुकने के लिए हम एक सक्शन ट्रैप लाइट कम सक्शन ट्रैप बनाया। इसका ये कि लाइट जब चलता है उसका एक कीड़े अट्रैक्ट होकर फ्लाई इसके पास आता है, उसके जब आता है ये सक्शन जो फैन घुमाता है वो खींच लेता है, इसको कीड़े अंदर आ जाके वो मर जाता है। तो इसी वजह से ये कम कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा फेरोमोन ट्रैप, ये रखने से जो मेल्स है इसमें वो आके इसमें गिर जाता है, ये भी आधा इंसेक्ट कम हो सकता है। तीसरा है कि ट्राइकोकार्ड बोल के एक पैरजेट है, ये कार्ड चिपकाने से बीच में जो भी अंडे पैदा करते हैं ना ये कीड़े का, ये इसको ये खा जाता है, इसलिए इसको भी रुकने का आवश्यक है। ये तीन करने के बाद अगर आप फिर भी नुकसान हो रहा है उसके उस टाइम पर औषधि स्प्रे करना पड़ता है। इसमें तीन तरीका औषधि है, एक है इंडॉक्सिकार्प और दूसरा डेकामेथ्रिन और तीसरा स्पेनिटोरियम। 1 ml/L ये स्प्रे करने से एक हफ्ते के ये बदलते रहना चाहिए, कोई औषधि बार बार नहीं करना, एक के बाद एक स्प्रे करने से एक रुक सकता है, इसी से अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट। धन्यवाद सर। अभी जहाँ भी देखो वायरस की बहुत बाधाएं हैं सर, इसको चिल्ली में कैसे मैनेज करें आप थोड़ा बताइए सर। जो विषाणु है वायरस का जो ये इसको कोई दवाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको रुकने का आने से पहले रुकना पड़ता है। इसलिए पहले ये है कि जो भी नर्सरी फैलाता है उसको नायलॉन नेट के अंदर ग्रो करना पड़ेगा, बाद में इसको बॉर्डर क्रॉप लगाना मैज 2 रोज, इसका बीच में एक मल्चिंग शीट सिल्वर कलर जैसे आप दिख रहा है कि बीच में मल्च शीट, ये सिल्वर कलर लगाने से इंसेक्ट्स नहीं होता। दूसरा है कि आप देख रहे हैं नीली और पीली कलर का स्टिकी ट्रैप्स लगाने से ये वाइट फ्लाई थ्रिप्स एफिड जो है उसको आके चिपक जाता है, इससे भी वायरस कम होने का संभावना है। इसके बाद जब भी पौधे लगाते 10 दिन के बाद औषधि स्प्रे करना पड़ता है, 4 औषधि है, एक एसीफेट फॉलोड बाई स्पाइनेटोरम, उसके बाद इमिडाक्लोरपिड, उसके बाद फिप्रिनिल, 4 से 5 स्प्रे करना चाहिए। ये फल और फ्रूट आने के बाद इसको नहीं स्प्रे करना, अब फ्रूट आने तक स्प्रे करना, उसके बाद रुकना चाहिए। इसके बाद जो करना है कि ये एक हमारा अर्का वेजिटेबल स्पेशल बोल के एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और दूसरा सीवीड एक्सट्रैक्ट सागरिका बोल के है 2 ml/L, ये दोनों कम से कम 30 दिन के बाद एक बार, 40 दिन के बाद और 17 दिन के बाद 3 बार स्प्रे करने से अच्छा ये होता है। दूसरा हम ये वायरस के लिए रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स भी डेवलप किया, अभी आप जो देख रहे हैं रेजिस्टेंट है, इसके लीफकल वायरस आजकल बहुत फैल गया है, इसके लिए रुकने का है, ये वायरस इसमें आने का संभावना नहीं है। नेक्स्ट।
ये पत्ते फूल गोभी एंड पत्ते का भी ये इम्पोर्टेंट है कि ये कीड़े डायमंड बैक मात बोल के आता है, वो बहुत ये पत्ते को खा जाता है। इस कीड़े को रुकने के लिए हम नीम बीज से बनाए पेलेट्स, पाउडर से बनाए पेलेट्स 30 ग्राम्स पर लीटर स्प्रे करने से एक हफ्ते, वो 6 से 7 हफ्ते स्प्रे करना है, उसके बाद ये कीड़े कम होने का संभावना है। ये फसल भी अच्छा होता है, ये खाने के लिए भी शेद रहता है। नेक्स्ट, ये है अभी फल मक्की, अभी खीरे का और लौकी का इन सब में ये फल मक्की आता है, इससे बहुत नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए भी हम ट्रैप लगा दिया, इसके ट्रैप का लूर ट्रैप बोलते हैं, इसका एक दवाई है अंदर रखने से ये कीड़े आके इसको अंदर बैठ के वो दवाई रखने से वो मर जाता है। दूसरा है कि ये दो बॉर्डर रो रखने से उसके पास जो है ना वो जागरी और औषधि डेकामेथ्रिन 2 ml मिला के छेड़ने से बॉर्डर क्रॉप मेज में भी और जमीन ये किराए का नीचे स्प्रे करने से ये भी रुक सकता है। नेक्स्ट अभी हम ऑर्गेनिकली ग्रोन सेंद्रिय का उपयोग से हम टमाटर ग्रो कर सकते हैं। इसको भी बॉर्डर में मेज 2 साल मेज रखना पड़ता है, इसके बाद मेज टमाटर नायलन नट के उगा के फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करना। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर देखना है कि स्टिकी ट्रैप्स, आप दो देख रहे हैं कि वो ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप्स रखना है कि इसके बाद बीच में आप जो भी क्रॉप वेस्ट है वो सब रेसिड्यू डाल के मल्च कर सकते हैं, वो आपको स्ट्रा मल्च बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो माइक्रोबियल कंसार्शियम है, AMC बोल के एक है और ऑर्गेनिक डिकम्पोजर एक है, ये तीनों मिला के स्प्रे करने से 10 दिन के एक बार कम से कम 4-5 बार स्प्रे करने से ये अच्छा होता है। फिर इसका मौसम अगर बारिश का टाइम पर आए तो 1% बोर्डो मिक्सचर स्प्रे करना पड़ेगा और ये जो वायरस बीमारी के लिए नीम ऑयल और नीम का जो भी औषधि है उससे 2 ml पर लीटर मिला के स्प्रे करने से हर हफ्ता में फल आने तक स्प्रे करने से भी ये सब करके आपको अच्छी फसल मिलने का संभावना है। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर रघुपति सर हैं, ये हेड ऑफ द डिवीजन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हैं। ये डिवीजन की ओर से भी कुछ तकनीकें डेमोन्स्ट्रेट की हैं, सर आपको खुद बताएंगे इसके बारे में। From Division of Natural Resources, this time we are demonstrating 3 technologies. First one is the Arka Vegetable Special. Arka Vegetable Special is specially designed for vegetable crops and it is a micronutrient formulation, and you can see here the response of cabbage for foliar application of Vegetable Special. This is applied for cabbage at a rate of 3 g/L. And this is specially meant for only for foliar application and not for soil application. And care has to be taken to see that it is not mixed with any insecticide, pesticide like that. And you can see the very good response of cabbage for application of Arka Vegetable Special. Next. Then we have one more important technology, that Arka Microbial Consumption is a consumption of 3 important microbes for nitrogen mobilization, phosphorus and zinc solubilization, and K mobilization. And it is used for either soil application or foliar application or seed coating. And you can see the very good response of tomato for Arka Microbial Consumption application. Next, when we have one more important technology for soil-less vegetable cultivation, here we use Arka fermented cocoa peat as a substrate for cultivation of vegetable crops, and this is specifically designed for urban as well as peri-urban
as a terrace gardening, and it can be grown in open as well as polyhouse conditions. And also we conduct a training program for soilless cultivation of vegetable crops. And you can see almost 12 vegetable crops are grown using this soilless cultivation at IHR Bangalore this time. Thank you very much. Thank you, sir. Raghupati sir. हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण सर हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट क्रॉप फिजियोलॉजी विभाग से हैं. जैसे कि आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से बहती हुई आती है वहाँ पर नगाँव मोरीगाँव और बरपेटा जिले में बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि ये दो बार फ्लड्स आते हैं. सर हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है फ्लड्स में भी हम टमाटर वगैरह उगाएँ. लक्ष्मण सर हेलो नमस्कार. लाइव सेशन ऑफ बेसिक साइंसेस प्लीज. ये बैंगन और टमाटर के अंतरजातीय कलमित पौधे हैं. ये अर्का अभेद का जो टमाटर का सयान है ये बैंगन की मूल व्रंतु अर्का नीलकंठ उसके ऊपर कलमित हुए हैं. ये 6 दिन तक जल की अधिकता को सहने का शक्ति है. जो आप देख रहे हैं ये अकलमित पौधे जो है 24 घंटे में पूरा विल्ट हो जाता है. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सर. मैं मानता हूँ ये तंत्रज्ञान विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में बहुत फ़ायदेमंद होगी. अभी हम आते हैं कृषि यंत्र विभाग में. जैसे कि आपको पता है लेबर का घटना कम होते जा रहा है और हमको मशीनरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है. मैं डॉक्टर जी सेंथिल कुमार अंसन से अनुरोध करता हूं सर हमारे संस्थान में जो इसके बागवानी के विषय से कौन से तंत्रज्ञान है इसके बताइए. नमस्कार. आप ये देख रहे हैं ये तो प्याज की बीज खेती में डालने के लिए ये हाथ से खींच सकते हैं. ये हाथ से डालने में आपको 50% आपको बीज का सेविंग हो जाता है लेबर भी सेविंग हो जाता है अच्छा सफल मिलेगा आपको. नेक्स्ट ये है प्याज हार्वेस्ट करने के बाद उसका लीव्स काटने का मशीन है. 1 घंटे में आपको 1 टन और 1.5 टन का कैपेसिटी है. एक सारे साइज का छोटा और मीडियम और बड़ा साइज का सारे प्याज का लीव आप कट कर सकते हैं. मैनुअल से ये बहुत फ़ायदा होगा आपका सेविंग भी हो जाएगा. नेक्स्ट ये है सब्जी और फल का सेल करने के लिए एक गाड़ी है. इसमें आप देख रहे हैं इसमें आप फॉगिंग सिस्टम लगाए हैं. 2 दिन तक सब्जी और फल फ्रेश रहेगा. 500 केजी तक आप लोड कर सकते हैं. इसमें देख सकते हैं आप टीवी ऑडियो माइक सिस्टम टीवी है. नीचे आप देख रहे हैं डिजिटल बैलेंस भी है. ऊपर एक सोलार सिस्टम लगाए हैं. एग्जास्ट फैन भी है. अब गाली का पूरा सर्कुलेशन हो सकता है. ऊपर हमने डाला गए 600 वाट्स का सोलार पैनल है. वो सोलार पैनल से अब सारे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है. हमने इसमें LED लाइट भी डाला है. सो अगर चाहिए रात को भी आपको सेल करना होगा लाइट डाल के रात को भी आप डाल सकते हैं. ये अच्छा छोटा व्हीकल है आपके नॉर्थ ईस्ट में ओके सब्जी को गांव-गांव में लेके आप सेल करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है. छोटा व्हीकल है कहीं भी आप लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट है अगर मान लीजिए बहुत ये है मतलब जा नहीं सकते हैं रोड ख़राब है छोटा व्हीकल है अब छोटा सा ट्राईसाइकिल टाइप है. इसमें भी हमने फॉगिंग सिस्टम लगाया है. इसमें 200 केजी आप देख रहे हैं कि देखिए उसमें फॉगिंग सिस्टम लगाया है.
इसके पूरा स्प्रे होके सब्जी और फल दो दिन तक का फ्रेश रहेगा। इसमें 20 क्रेट्स है, 20 क्रेट्स में आप 200 केजी सब्जी और फल लोड कर सकते हैं। लोड करके इसमें भी आपको माइक सिस्टम है, डिजिटल बैलेंस भी है, ये आप देख रहे हैं राइपनिंग चैम्बर है, आम और केले का राइपनिंग करने के लिए इसके अंदर क्रेट्स के अंदर रख के एक कास्टिक सोडा 2 ग्राम और एथ्रिल लिक्विड 8 ml आप रखेंगे 18 से 24 घंटे में आपको आम और केला पक जाएगा, आप सीधे सीधे मार्केट लेके जा सकते हैं। ये राइपनिंग बहुत सस्ता है, आप देख रहे हैं पीवीसी पाइप है, उसके ऊपर आप एलडीपी शीट लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, आप आपके घर में भी ये बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये घर में भी राइपनिंग करके आप मार्केट लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, आप तो बहुत कुमकाते हैं, बहुत मशरूम तो बहुत बड़ा फेमस है आसाम अरुणाचल हम सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट में हमारा स्पान प्रोडक्शन का लेबोरेटरी हमने एस्टेब्लिश किया है। ये आरटीएफ रेडी टू फ्रूट बैग मैडम ने बताया होगा आपको, इसके बनाने के भी हमारा सेंटर हमने बनाया है। ये फ्रूट रेडी ये बैग रेडी करके, मशरूम का बैग रेडी करके इस चैम्बर में रख सकते हैं। ये चैम्बर कुछ नहीं है, 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर का है डायमेंशन। इसके ऊपर आप इंसेक्ट नेट डाल सकते हैं, वो नाइलॉन नेट हमेशा वो पॉली हाउस में डालते हैं, वो डाल देंगे कीटा ने थोड़ा सा वो मशरूम दिखाएंगे जी, हाँ उसमें 80-100 kg, हाँ 100 बैग्स तक आप रख सकते हैं। फिर वो नेट के ऊपर गन्नी बैग डाल के उसमें पानी लगाएंगे, पानी वजह से आपको अंदर एवापरेटिंग कूलिंग होके इसको ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ये है आम, अमरूद, सपोटा, लेमन हार्वेस्ट करने के लिए टूल्स है। नेक्स्ट ये तो बहुत अच्छा यूज होगा आपके लिए, आप आर्चर्ड में फल और कटने के लिए। नेक्स्ट ये जैक फ्रूट, कच्चा जैक फ्रूट पील निकालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए ये बहुत यूज़ हो जाएगा ये मशीन। ये तो 12 से 15 फ्रूट्स एक घंटे में आप पील कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अनार का बीज निकालने की मशीन है, इसमें आप 18 केजी एक घंटे में बीज निकाल सकते हैं। जूस के लिए भी आप डायरेक्ट यूज़ के लिए भी यूज़ हो जाएगा। ये सारे मशीनरी का डिज़ाइन टेक्नोलॉजी IHR से आप ले सकते हैं, जो फैब्रिकेटर है एंटरप्रेनर से वो लेके इसको बना के इसको किसानों को तो एंटरप्रेनर्स को आप दे सकते हैं। ये अच्छा मौका है, आप लेके कमर्शलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संदील सर। क्या ये तंत्रज्ञान सर ने जैसे बताया ये तंत्रज्ञान हम ले सकते हैं, इसकी लाइसेंस ले सकते हैं और इसको आप आगे बना के आप खुद बेच सकते हैं ताकि ये देश के हर किसान तक जाए। हमारे साथ अभी डॉक्टर PVR रेड्डी सर हैं, इन्होंने एक अनहोनी को होनी कर दिया है, आइए उनसे ही सुनते हैं उन्होंने पॉलियोस में क्या ऐसा चीज़ किए हैं। सर प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ कीजिए। या गुड इवनिंग, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ वी कैन डू पॉलिनेशन विथ हनी बीज इन पॉलियोस। नाउ पॉलियोस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल इज बिकमिंग पॉपुलर, बट इन द पॉलियोस वेन वी ग्रो वेजिटेबल्स पॉलिनेशन इज एन इश्यू। सो हियर generally farmers have to do hand pollination which is expensive. Here you are seeing we have used 2 native species, stingless bee egg, then another is Indian honeybee. With these honeybees we are able to grow muskmelon in poly house with very good yield, that is the IHR released variety Arka Siri variety. So by using this honeybee box you are seeing there, that is having 2 openings, one outside and inside the poly house. By doing this manipulation of this box we are successfully able to make this honeybees forage and do pollination. With this we can do away with this hand pollination which is cost and also time consuming, and we got an excellent yield of up to 2 to 2.5 kg each fruit. Next,
Then another crop here you are seeing is the ridge guard, Turai. This is also our institute developed variety, Prasanna and Vikram. Here also we have used this stingless bee, and you can see the crop, how it is grown without hand pollination, just by having two stingless bee hives erecting. We got a very good crop, and this pollination was effectively done by these honeybees. With this, by using these honeybees, farmers can get honey also as an additional income, and we can avoid this hand pollination, which is laborious. So farmers earlier, you know, growing this cucurbitaceous vegetables and palios used to be not possible. Now with this native species of honeybees, with this technology, we can grow successfully. Next. Here another, you know, under palios conditions, nematode is a serious problem for capsicum, tomato and other such crops. Here our institute developed one integrated management strategy where as a crop rotation, you grow this marigold. What you are seeing, this marigold is having some anti-nematicidal properties. With this, you can break this nematode problem. And another crop you are seeing is the velvet bean or mukuna. So either marigold or mukuna, if you grow, which are very short duration crops, 45 to 60 days, you will get extra income from the flowers, and mukuna will add nitrogen to the soil. So your soil fertility will increase, and also nematode problem also can be minimized. So this farmer should not grow same crop capsicum or gerbera or tomato continuously, grow for this crop rotation besides using the biopesticides. Like this you can manage nematodes. Thank you. Bahut dhanyawad sir. Jaise ki sir ne bataya, aap polyhouse mein muskmelon aur turai dono bhi laga sakte hain. Aapko shahad ke saath meethe muskmelon bhi milenge aur shahad ke saath aapko turai bhi milengi. और नेमेटोड मैनेजमेंट पॉलियोस से किस तरह किया जाता है सर ने आपको संक्षिप्त में बताया. सर बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं मैं आपको. अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम गण में आए हैं. अभी जैसे जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट हिल प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट गए, हमने ऐसे किसानों और इनसे मिला जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. उनको हमारे संस्थान से हमारे निदेशक महोदय उनको सम्मान करके उनको गौरव पत्र देना चाहते हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन उनको ये पत्र भेज दिया जाएगा. मैं ये किसान का परिचय करा देता हूँ. स्लाइड प्लीज. ये हैं श्री संजीव कुमार गोस्वामी जी. ये हमारे बहुत अच्छे किसान हैं और एंटरप्रेन्योर हैं. इन्होंने नगांव असम से जुड़े हुए हैं. इन्होंने जरबरा की कई किस्में ली हैं, वेजिटेबल स्पेशल भी अपनाया है, बनाना स्पेशल भी अपनाया है और नीम सोप भी अपनाया है. और ये हमारे संस्थान के जैसे असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, ये हमारे संस्थान से नॉर्थ ईस्ट के एम्बेसडर हैं. इसके इनके काम को पहचानते हुए हमको IHR के तरफ से बेस्ट किसान अवार्ड दिया जा रहा है. सर कृपया करके इसको आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़. रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो सर, सुनाए प्लीज स्पीक सर. Respected ladies and gentlemen, I am very thankful to IIHR, and also I'd like to thank you, Dr. B.C. Deka sir, then director ICAR Shillong. Actually, he was sent me to the IIHR. Now he is the VC of the Assam Agricultural University, Jorhat. And I'd also like to thank KVK Nogaon, District Agriculture Office Nogaon, and RARS Shillong in Nogaon. And also I'd like to thank my mom, my late mom, who always inspired me to come to this position. Thank you very much, sir. Sir, मैं ये award को हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर एम आर दिनेश सर से अर्पित करना चाहता हूँ. दिनेश सर प्लीज. सर हाँ, नमस्कार. नमस्कार. मैं ऑडिबल डॉक्टर अतीक. यस सर. यस सर. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंग्रेचुलेशंस टू संजीव गोस्वामी जी. इनफैक्ट वी कैनॉट रीच द फार्मर्स विदाउट पीपल लाइक यू, बिकॉज एज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर अतीक, जो हमने वहाँ किए हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपके द्वारा जो हमने किया है, मैं मानता हूँ, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाई डॉक्टर रतिकुल्ला, यू आर अवर एम्बेसडर. इन फ्यूचर प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल यू वुड डेफिनेटली मोटिवेट एंड मेनी ऑफ देम वुड बिकम एंटरप्रेन्योर्स. जहाँ तक केवीके नॉर्थ ईस्ट में है,
जो केवीकेस हैं और फार्मर्स हैं. इनफैक्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द केवीके हेड्स हु हैव टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग अप आवर वैरायटी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट. वी हैव गॉट मेनी मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ द वैरायटीज दैट वी हैव डेवलप्ड. द सक्सेस स्टोरीज व्हाई दे आर सक्सेस स्टोरीज इज बिकॉज many of our varieties are very user friendly in the sense they are disease resistant and these technologies can be very easily accepted. In fact I would also request many of the northeastern region people whenever they feel like please visit us so that in case some training programs are to be organized we will be very very happy. And of course we were held back by the COVID-19. Now that the situation is getting better and better, I wish and hope that we would have continued support contact. जो हमने आपका आपका साथ जो contact किया हुआ है आज तक, I think our Dr. Balakrishna, Atikula और अभी हमने एक Dr. Shaktivel करके इनको सौंप दिया है ये काम. ये सभी लोग मिलके North East में हमारा varieties ले और production और productivity अच्छी अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस आप प्रोड्यूस करें. इसी आकांक्षा के साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ गोस्वामी जी को. कंग्रेचुलेशंस और धन्यवाद ऑल द पीपल केवीके हेड्स एंड ऑफ कोर्स माय कोलीग्स हु हैव डन एक्सेलेंट वर्क. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स. आई होप यू विल फर्दर टेक इंटरेस्ट एंड बी ए much more technologies to northeastern regions. Sir, we have one more farmer lined up as the best farmer award in the Assam region. I would like to introduce him as Sri Lakindra Gosai hai. Ye Digakalsu gram se Tinsukia jile ke Assam se hai. Ye ek yuva kisan hai. Inhone sansthan ki viksit ki gayi tamatar ki prajati arka abed ki kheti kiye hai. Iske alawa inhone khira ki arka bahar kheti bhi kiye hai. Inhone 25 kuntal prati hectare mein उगाकर इन्होंने बहुत लाभ लिए हैं. इनसे अनेक युवा प्रेरित हुए हैं. मैं इनको IHR की तरफ से बेस्ट अवार्ड हमारे निर्देशक महोदय से अर्पित करवाना चाहता हूं. या कंग्रेचुलेशंस मिस्टर लकिंद्र गोविंद. विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. विश एंड होप दैट यू विल बी एबल टू विजिट अस इन द नियर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. लकिंद्र जी हमारा ये अवार्ड बेस्ट अवार्ड आप इसे प्राप्त कीजिए. हम आपको ऑफलाइन में पोस्ट में ये अवार्ड भेज दें. बहुत धन्यवाद अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए. बहुत धन्यवाद. हम आए हैं अभी पैनलिस्ट अभी आखिरी इस पे आए हैं. हमारे साथ पैनलिस्ट अलग अलग हैं. जैसे हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर एम आर दिनेश सर अटारी ICR जोन 6 के जो डायनामिक डायरेक्टर हैं जो अनिल कुमार त्रिपाठी सर हैं. हमारे पास डॉक्टर रामपाल सर हैं डायरेक्टर ICR NRC ऑर्किड सिक्किम से. और हमारे साथ श्री तिरक बरती बोरा सर डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ असम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से हैं. और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर MV धनंजय सर हैं. सर आप सभी को मैं एक एक करके इस कार्यक्रम के बारे में बोलने के लिए अनुरोध करता हूं. सबसे पहले हमारे निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम को और इस सेशन को लेकर आप ये दो शब्द कहें सर. दिनेश सर. सर आई रिक्वेस्ट डॉक्टर एम आर दिनेश सर अवार्ड हॉनरेबल डायरेक्टर टू गिव रिमार्क्स ऑफ द पैनल प्लीज. अनम्यूट सर. अनम्यूट. आई हैव अनम्यूटेड. प्लीज स्पीक. प्लीज प्लीज सर. थैंक यू डॉक्टर अतीक. थैंक यू डॉक्टर राजीव. इनफैक्ट we are very very happy that there is no more distance between Bangalore and northeastern region because of our work there. And in fact our work in the past 2 years has really given very good results from the northeast region because of young farmers. In fact we look forward to having many more good demonstration trials there. And I request all my KVK colleagues to take the benefit of IHR varieties by taking the seeds from here. And also now we have a seeder which seed portal we have
we have tied it up with Yono Krishi, and we have a mobile app. If you can place your indent of any seed with regard to vegetables or flowers and some of the other technologies, I would request all of you to, at least few people, young people, to become entrepreneurs. If you can become entrepreneurs, then definitely Northeast economy can be greatly improved. And we are ready with the technologies. Please come down here, or we shall, if the situation improves in the near future, we will definitely come there and see that these technologies are adopted by you, so that it will be beneficial both for you as well as for us. With these few words, I congratulate all of you for having, in fact, I thank all my colleague directors who have joined me, who have taken pains, who have taken time off to spend some time with us, all the KVK heads, the Atari Zone director. In fact, I thank him profusely for making this arrangement, so that even though you are not able to come here physically, you have been able to watch our demonstration trials and take benefit out of the technologies that we have developed. Thank you very much. Thank you, sir. Till now, we have seen successful farmers in Northeast. In the near course of time, we will see successful entrepreneurs using ARCA technologies, sir. Thank you so much, sir. Now, I request Dr. Anil Kumar Tripathi, sir, director of ICR Atari Zone 6, Guwahati, to kindly give his remarks. Thank you. Good afternoon. Thank you. And first of all, I would like to congratulate that in TV and STEAM Institution, especially director and team for organizing very beautiful program. I was just joined since beginning. I main thoda Hindi mein baat karunga. Please, sir, Hindi mein baat. Kisan bhai hai. I would like to speak in Hindi because the Indian state Arunachal, Assam and Sikkim, sare hamare kisi bhi gang mein jo toote hain, wahan mein Hindi bhasha chalti hai. So first of all, lot of contribution to everybody, especially दो जो किसान हमारे भाई जो मिले हैं आपका नौगांव और तिनसुकिया को, उनको मैं हमारे अकाडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. जैसा कि अभी ये प्रोग्राम करीब 245 से चल रहा है, करीब अभी ये 4:45 हो गया, 3 घंटा ऑलरेडी चला है. मैंने सारे आपके जितने प्रोग्राम देखे हैं, काफी लाभदायक है किसानों के लिए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दैट आई एम द राइटर ऑफ द जोन 6 एंड नोट 7 बोर्ड. सो आई एम लुकिंग अप द 90s KVKs ऑल टुगेदर. टुडे आई एम जॉइंड एंड विल टेकिंग अकाउंट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश असम एंड असम अरुणाचल प्रदेश. और जो हमारा, अगर जो आप देखेंगे टोटल हमारा फूड प्रोडक्शन है, उसमें हमारा जो 3 स्टेट है इसका करीब करीब 50% होता है, और हमारा जो प्रोडक्शन 56% होता है. असम मेजर प्लेयर है, वेजिटेबल में भी है, फ्रूट में भी है, स्पाइसेस में भी है, सारी चीज में असम मेजर प्लेयर है. तो असम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. आईएचआर की वैरायटी हमने 2017 से, जो हमारे टीम जैसे बालकृष्ण जी है और लोग भी आए हैं, उनके सहयोग से हमने काफी डेमोंस्ट्रेशन किया है और भविष्य में भी करेंगे. लेकिन 2-3 चीजें हम बात करना चाहते हैं कि हमें स्पेशली सिक्किम और अरुणाचल में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल के लिए डेवलप और भी करना है. जहां तक मुझे मालूम है कि 10 वेजिटेबल या 12 वेजिटेबल का आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोटोकॉल किया है, आपने डिफरेंट फॉर्मेशन करा है, तो डिजीज की और इंसेक्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है उसमें. मुझे हम लोग को चाहते हैं कि मिलकर इसमें हमें और डेमोंस्ट्रेशन लार्ज स्केल में करना है. हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रूट में सरप्लस है, और वेजिटेबल करीब करीब फ्रूट में 26% है और वेजिटेबल में 11% सरप्लस है. सो इसे हमें वैल्यू चेन मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी कुछ काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे अकाडमी की तरफ से जो भी हमें आपको सहयोग चाहिए उसके लिए हम हैं. इस समय आपको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम 8 इंस्टीट्यूट से काम कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश कंपनी में, और पिछले 2 साल में 8 करोड़ का सीट जो इनपुट का है आईआई की तरफ से हमने दिया है, और भी इंस्टीट्यूट जो है BQPS है और आपका भी सहयोग रहा है. तो हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जो एवरेज यील्ड है फ्रूट की 9.63 टन है, वेजिटेबल का 10.5 टन है. तो टोटल हमारा 14 लाख हेक्टेयर में जो खेती होती है, सारे स्पाइसेस का होता है, एरोमेटिक प्लांट होता है, वो आपकी वैरायटी काफी सक्सेसफुल है,
और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम मिलके किसानों के साथ में, हमारे कृषि विज्ञान साथियों के साथ में, आपके जितने साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलके हम अच्छा से काम करेंगे। सो वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट टू द स्टीम डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑल द टीम मेंबर हु ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस प्रोग्राम। माय बेस्ट विशेस फॉर देम टू फ्यूचर अहेड। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको बहुत कोऑपरेशन एक्सटेंड की है। जब भी आते हैं आप हमको कहते हैं सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ यस सर, स्टिल है सर, काइंडली म्यूट इट सर। नाउ वुड लाइक टू एंगेज अनदर डायरेक्टर्स, डॉक्टर रामपाल सर जो डायरेक्टर आईसीआर एनआरसी ऑर्चिड्स हैं। सर काइंडली गिव यू अ फ्यू वर्ड्स रिमार्क्स फॉर दिस सेशन। डॉक्टर रामपाल सर, डायरेक्टर एनआरसी ऑर्चिड्स प्लीज। सर काइंडली अनम्यूट कीजिए सर। Thank you, Dr. Ati, Dr. Rajiv Kumar, Director IHR, and for giving me opportunity to speak in this program. Sir, I am very happy to know that the technology is reaching to the northeastern state. IHR technology is reaching to the northeastern state. So many technologies that are useful, and Sikkim is also using so many technologies developed by IHR. IHR Bangalore, and orchids also have a lot of potential in northeastern states, and particularly cymbidiums, dendrobiums, phalaenopsis. Dendrobiums can be grown in the plain areas of the hilly regions, Arunachal, Sikkim, and Assam. Similarly, phalaenopsis also can be grown. Dendrobiums, these cymbidiums can be grown on higher hills. Hope in future we will be discussing about orchids also. We have a plan to put many demonstrations in the northeastern states, including Sikkim, Arunachal, Mizoram, Tripura, all these states. And I am thankful to all of you for giving me opportunity and listening to me. Thank you. Thank you so much, Dr. Rampal sir. Now we have with us Dr. Tiraga Bharati Bora, Director, Department of Horticulture, Government of Assam. Sir, kindly, aap is session ko leke do shabd mein bataiye, sir. Namaskar, sir. Sir, kindly unmute kijiye. Namaskar, sir. Our Director, Mr. Tiraga Bharati Bora, yes, your minister for Arsenji, for I am assistant director of horticulture from Government of Assam. Sir, we are very much thankful for organizing this. It is for your information that recently, from 21st January to 23rd January, we just met Government of Assam to organize National Agri Horticulture at Ajiranag in Bhogakhar district of Assam with virtual participation of international participation. So then different countries joined here, and we focus on our agricultural commodities. So regarding orchid at Barcelona, we are going to set up one orchid park under the plan with the cost of 60 crores. Now we have already selected the site, the work is in progress, so we need all type of technical support from IHR, Bangalore, and with your support, we are very much confident that we will be able to go ahead. Thank you for organizing this event and for giving some support from the state of Assam. Thank you so much, sir. You have spoken on behalf of Director in Charge. We thank you and look forward for your support in continuation of our programs in northeastern hilly regions. Now, I would like to request Dr. M.V. Dhananjaya, sir, who is Organizing Secretary of this National Horticulture Fair 2021, to give his remarks. Good evening, everyone. Actually, our directors thanked all the directors and also KVK heads. But just I have to add one more sentence, that in addition to 47 KVKs of the zone, there are around 55 farmers producers organizations involved in this program, this session exclusively planned for Assam, Arunachal Pradesh and Sikkim, and also around 10 to 12 art of living centers in this region. So without the support of these people, this program would not have become possible. And the support extended by all these FPOs, KVKs, heads, and authority directors,
also ICR institutions of that area. I again, once again, thank all of you on behalf of ICR IHR and also our ICR headquarter for extending support and participating in this session and making it a big success. Thank you. Thank you, Dr. Dhananjay sir, for your remarks. We have come to the fag end of this program. हमने इस कार्यक्रम के आखिरी पद पर आए हैं. मैं इस अवकाश को लेकर सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर जो डॉक्टर एम आर दिनेश सर हैं, जिन्होंने सोचा विचार बनाया कि जो ICR IHR का लाभ सारे देश में पहुंचाने का, इसी तरह इस सेशन में हमने हम आशा करते हैं इसका लाभ नॉर्थ ईस्टर्न में पहुँचाए हैं. इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर. और डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी सर जो डायरेक्टर ICR अटारी जोन 6 हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है. और इनके ऑफिस में डॉक्टर आर बरदोले सर हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम को जोड़ने में. और डॉक्टर रामपाल सर जो ICR NRC ऑर्किड से, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. और जो डायरेक्टर ऑफिस हॉर्टिकल्चर से जो सज्जन बात किए, उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा थैंक यू. और इसके साथ साथ जो मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ एक्सपर्ट थे, जो अनिल कुमार नायर सर थे प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और डॉक्टर राजीव कुमार सर थे, और जो भी हमारे बकेले संस्थान से, स्पाइस संस्थान से, ट्यूबर क्रॉप संस्थान से जो अलग अलग जोड़े हैं, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ. इसके साथ ही साथ जो ये वर्चुअल यूनिट के डॉक्टर उप्रेती सर हैं, इनकी सारी टीम है, इनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ. क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट में अभी ज़्यादा दूर देने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मैं हर एक का नाम नहीं ले रहा हूँ. सबको मैं एक बात फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ. मैं अंत में डॉक्टर अतीकुल्ला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा. बहुत सुचारू रूप से इस कार्यक्रम का उन्होंने संचालन किया. मैं उनको बधाई देता हूँ और हमारे संस्थान के परिवार के प्रत्येक सदस्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू वेरी मच. इस कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है. शुभ दिन. जय हिंद.